Hello friends and a very good morning to all of you. So here we are on a very important topic that plays an important role in your examination. When we talk about grammar, so marks we were definitely grammar SIF examination. This will come only for 10 marks, right? But with IBPS, we can say this can come for 20 marks as well. So you can say 10 to 15 marks expect. And this 10 to 15 marks nobody can take from you. राइट right? ये 10 से 15 नंबर आपसे कोई भी नहीं लेके जा सकता एंड फॉर दिस रीजन इफ यू वांट कि आप 10 टू 15 मार्क्स अगर लेके आ जाए देर आर सर्टेन रूल्स वैसे तो हर बात करें हर चैप्टर की तो हर चैप्टर में यू गेट अराउंड हंड्रेड रूल्स राइट बट ईच एंड एवरी रूल इज नॉट इंपॉर्टेंट वो हर 100 रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपको हर 100 रूल को पढ़ना नहीं है अगर आप ये सोचते हो कि एवरी हंड्रेड रूल्स में सारे याद कर लू और फिर मैं एग्जामिनेशन देने जाऊं तो मेरे क्लियर हो जाएगा नहीं क्यों क्योंकि सारे रूल्स इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है राइट right? ये मैंने आपको कल भी बताया था कि एवरी रूल इज नॉट इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन सारे एग्जामिनेशन में हर रूल नहीं पूछा जाता है तो वी हैव सर्टन रूल्स ट्वेंटी मस्ट नो रूल्स बाकी तो आपको आने चाहिए लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए मशनो रूल्स ऑफ ग्रामर इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन ठीक है अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं तो आपको इतना समझना है कि ये बीस रूल आपको पता ही होने चाहिए ठीक है जिसको पता होगा वो मेरी हेल्प करेगा जिसको नहीं पता होगा वो आंसर करेगा ठीक है चलो वेन वी टॉक अबाउट पर्सन सबसे पहले हम बात करते हैं uh, किसकी सबसे पहले हम बात करते हैं सपोज करो पर्सोनिफिकेशन एंड दैट कम्स फ्राम नाउन ठीक है अगर हम नाउन के चैप्टर की सबसे पहले बात करें तो नाउन के चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं है ओके okay? <coughs> चलो ठीक है पर्सोनिफिकेशन नाउन के चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पर्सोनिफिकेशन का जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेना पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है जब भी सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज होगा जहां पर आप नॉन लिविंग को लिविंग ट्रीट करोगे नॉन लिविंग ज ट्रीटेड एज अ लिविंग बींग जब कोई नॉन लिविंग लिविंग की तरह ट्रीट किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या पर्सोनिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू टू सेंटेंसेस उससे आपका क्लियर हो जाएगा कैसे हमने एक सेंटेंस लिखा नेचर ऑफर्स इट्स लैप टू वन हु सीक्स इट राइट नेचर ऑफर्स इट्स लैप टू वन सीक्स इट अब यहां पर नेचर क्या है प्रकृति प्रकृति यहां पर नॉन लिविंग है नेचर की बात करें तो ये नॉन लिविंग है राइट अब अगर हम बोले कि नेचर नॉन लिविंग है तो हमने उसकी गोद की बात कैसे कर ली लैप लैप मतलब क्या होता है गोद तो गोद की बात कैसे हो गई जब ये नॉन लिविंग है मतलब हमने नॉन लिविंग को कोई लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं वी हैव गिवन अ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफ लिविंग बीइंग टू अ नॉन लिविंग बीइंग सो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ये दे दिया कि नेचर के पास लैप है गोद है राइट सो गोद है अब ये बा, ये बात होती है कि गोद की बात करोगे तो किसकी याद आती है डू यू रिमेंबर योर मदर और योर फादर मतलब आप फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं या फिर मैस्कुलिन की आप फेमिनिन को याद करोगे या फिर मैस्कुलिन को बात को याद करोगे दिस इज द क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड ठीक है कि मैस्कुलिन जेंडर में ट्रीट किया जाएगा या फेमिनिन जेंडर में ट्रीट किया जाएगा तो अगर हम इसकी बात करें गोद की बात करें तो इसकी बात याद आती है या तो मम्मी की बात याद आती है या गर्लफ्रेंड की याद आती है या फिर वाइफ की याद आती है तो है तो तीनों फेमिनिन जेंडर ही ना तो क्या होगा एज की जगह हम क्या लगाएंगे ट वी कॉलोनी मम्मी और पापा दोनों की याद आती है बेटा पापा पिटाई करते हैं और मम्मी पिटाई से बचाती है तो बचाने वाला काम फेमिली एनजेंडर का है ठीक है एनी वे नेचर ऑफर टू वन सी यहाँ पर हर क्यू लगाया है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दब्जेक्ट सब्जेक्ट का जो नेचर है यहां पर क्या डिफाइन किया जा रहा है देखो फेमिली एनजेंडर में क्या क्या ट्रीट करोगे शायद होप जॉय या तो पहले मैस्कुलिन की बात करते हैं masculine में कम है? में है क्या बात करते हैं हम अगर कहीं ताकत की बात कर रहा है स्ट्रेंथ की तो आप क्या लिखोगे मैस्कुलिन जेंडर अगर आप बात करते हो पार की ताकत की अगेन तो कौन यूज होगा मैस्कुलिन जेंडर अगर आप बात करते हो हिंसा की तो किसका यूज होगा मैस्कुलिन का लड़ते हुए किसको देखते हैं आदमी कोई आदमी दिखते हैं ज्यादातर लड़ते हुए ना तो मैस्कुलिन जेंडर में वॉयलेंस का ट्रीटमेंट भी मैस्कुलिन जेंडर में ही होगा ठीक अब देखो फेमिनिन जेंडर में शाय होप जॉय हैप्पी व्हाट एल्स शाय होप जॉय हैप्पी और क्या यूज होगा बताओ और क्या फेमिनिन जेंडर को देखते हैं तो और क्या है आदर्श हो चुका है ब्यूटी चलो क्विकली आंसर करो क्या याद आता है जब हम इनके अलावा फेमिनिन जेंडर के लिए अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ओके okay, ओके okay, योगेश हमें तो मां मारती थी बेटा तो एक करम ऐसे थे करम सुधारते तो मम्मी ने मारती तुमको ठीक है चलो अच्छा बताओ फेमिनिन जेंडर में शाय होप जॉय हैप्पी ब्यूटी और क्या चीजें ला सकते हैं आप ओके सॉफ्टनेस वेरी गुड वॉट एल्स जॉय ब्यूटी हो गया सरप्राइज सैड नहीं सैड नहीं होगा देखो हमने क्या लिखा है शाय होप जॉय हैप्पी ब्यूटी सॉफ्ट मतलब दुनिया की जितनी अच्छी चीजें हैं दुनिया की जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब फेमिनिन जेंडर में आती है और दुनिया की जो लड़ाई झगड़े वाली चीज है वो मैस्कुल जेंडर में आती है ठीक है तो ये मेरा बनाया हुआ रूल नहीं है ये इंग्लिश okay. का रूल है तो मैं पार्शल नहीं हो रही हूं यहां पे एनीवे वे देखो हमने नेचर की बात करी नेचर ऑफर्स हर लाप टू वन हु सीक्स इट अब हमने स्टेटमेंट लिखा डेथ कंप्लीट्स इट्स कोर्स नो वन कैन स्टॉप डेथ कंप्लीट इट्स कोर्स नो वन कैन स्टॉप इट अब यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है कि हम उसे हिंदी में मैस्कुलिन मैस्कुल लेते हैं या फेमिनिन लेते हैं उसका कोई मतलब नहीं है ठीक है मैस्कुलिन लेते हैं या फेमिनिन लेते हैं उससे मतलब नहीं है आप ये देखोगे कि सब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है सेंटेंस में उसके मैस्कुलिन जेंडर आ रहा है या फिर फेमिनिन जेंडर आ रहा है यह डिफाइन करेगा कि वहां पर आपको उसको ही में रखना है या शी में रखना है ठीक है तो बताओ यहां पर जो डेथ लिख रहे हो डेथ कंप्लीट इट्स कोर्स नो वन कैन स्टॉप इट यहां क्या होना चाहिए व्हाट शुड बी यूज्ड हियर जल्दी से ओके हां काइंडनेस भी आता है बताओ क्या होगा अगर हम बोलते हैं no तो यहाँ क्या होना चाहिए हिस कोर्स वेरी गुड हिस कोर्स आएगा क्यों क्योंकि हमने बोला डेथ अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती है उसको कोई नहीं रोक सकता से डेथ अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती है उसको कोई नहीं रोक सकता तो एक चीज समझने वाली क्या है कि कोई नहीं रोक पा रहा है नो वन कैन स्टॉप मतलब किस चीज की बात हो रही है पार की बात हो रही है स्ट्रेंथ की बात हो रही कि है कि वो इतनी ताकतवर है कि उसको कोई नहीं रोक सकता ताकतवर है तो कहां आएगा मैस्कुलिन जेंडर में क्या लिखेंगे डेथ कंप्लीट इट्स कोर्स से होगा पहली बात हिस कोर्स एंड नो वन कैन स्टॉप इट की जगह क्या लगाओगे नो वन कैन स्टॉप हिम का यूज करेंगे ठीक है दिस इज वन पॉइंट इन नाउन की आप पर्सोनिफिकेशन पे ध्यान देंगे लेकिन कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी आते हैं जिसमें पर्सोनिफिकेशन होता ही नहीं कैसे सपोज करो हमने लिखा द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 सिक्सटी फाइव वन ऑब्लिक फोर डेज कैन यू कैलक्यूलेट स्पीड अब यहां जो सेंटेंस लिखा उसमें लिखा था अर्थ रिवॉल्वराज कैन यू कैल इट स्पीड क्या मतलब, हुआ? मतलब 365 और छह घंटे इसमें कैन यू कैलकुलेट इट स्पीड अब यह मत सोचने लग जाना कि धरती हमारी माँ है।, है ना धरती हमारी माँ है तो हम उसको फेमिन जेंडर में रखेंगे कैन यू कैलकुलेट हर स्पीड हो जाएगा या फिर अगर हम बोले स्पीड की बात हो रही है ताकत की बात हो रही है तो हम जेंडर में रख दे कैन यू कैलकुलेट स्पीड हो जाएगा नहीं ये एक फैक्ट है क्या ऐसा कहीं पर भी आपको पूरे स्टेटमेंट में दिख रहा है कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि यहां पर कोई पर्सन करता है क्या आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि पर्सन की कोई क्वालिटी को दी गई है

सारे इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं बा बल्कि ठीक है चलो अब हमने पर्सोनिफिकेशन की बात समझ ली ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अगर क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या द जूरी इज यूनानस इन देयर डिसीजन ठीक है एक ये स्टेटमेंट लिखा है और दूसरा लिखा है The committee is divided over the issue of his appointment, and there is much rancor among its members. तो आई सपोज अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा क्या होगा इन इट्स डिसीजन इन इट्स डिसीजन एब्सोल्युटली करेक्ट क्यों देखो जब भी हम सेंटेंस का ऐसा यूज करते हैं मतलब, क्या है कलेक्टिव right? नाउन है दैट मीन इट्स कलेक्शन इट्स कलेक्शन ऑफ वर्ट ये कलेक्शन है किस चीज का ग्रुप ऑफ जजेस का कलेक्शन ऑफ जजेस कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर एंड न्यूटर जेंडर ठीक है कलेक्टिव नाउन को हम पहली बात सिंगुलर नंबर में ट्रीट करते हैं मतलब इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा और उसके अलावा जो न्यूटर जेंडर होगा मतलब इट का यूज करेंगे ठीक है फॉर दिस रीजन ये कब होगा जब कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड होने की बात करता है तब मतलब ऑल द मेम्बर्स ऑफ दैट ग्रुप अग्री टू वन पॉइंट जब क्या होगा जब सारे नंबर क्या होंगे सारे के सारे में एक ही बात से अग्री कर रहे होंगे तो हम यूज करेंगे कलेक्टिव लाउन दैट इज यूनाइटेड उसके साथ सिंगुलर नंबर और न्यूट्रोजेंडर तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम कह रहे हैं ज्यूरी यूनानिमस यूनानिमस मतलब क्या होता है एक मत होना दैट मीनस एवरीबडी अग्रीज टू वन पॉइंट हर कोई एक ही बात पर अग्री कर रहा है जिसकी वजह से हमने सिंगुलर नंबर लगाया है इज एब्सोल्युटली करेक्ट लेकिन जब हमने जेंडर की बात करी तो हमने देर लगा दिया और देर यूज होता है प्लुरल के लिए लेकिन यहां पर लगाना क्या है हमें न्यूट्रल जेंडर तो क्या होगा इट्स डिसीजन एक चीज यहां क्यों हो रहा था क्योंकि यूननिमस यूनाइटेड होने की बात हो रही थी लेकिन इसी का एक्सेप्शन क्या आता है अगर यही यूननिमस डिवीजन की बात करने लग जाए सेपरेशन की बात करने लग जाए मतलब जो जूरी है जो कमिटी है वॉट एवर कलेक्टिव नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट जिस भी कलेक्टिव नाउन के लिए हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि सेंटेंस में आप क्या करते हो प्लूरल नंबर जब सेपरेशन की बात करेगा तो प्लूरल नंबर एंड न्यूटर जेंडर नहीं लगेगा अब क्या लगेगा कॉमन जेंडर का यूज होगा और कॉमन जेंडर क्या होता है या तो ही या फिर दे ठीक अब सेंटेंस में देखो क्या लिखता है द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड इज मच रैंकर क्विकली बताइए ये क्वेश्चन में क्या एरर है देखो अभी क्या हो रहा है कमिटी है अगेन ये कलेक्टिव नाउन है ठीक कमिटी यहां डिवाइड होने की बात हो रही है मतलब कुछ मेंबर्स एक बात पे अग्री कर रहे हैं और कुछ मेंबर्स एक बात पे अग्री कर रहे हैं कुछ मेंबर्स कह रहे हैं इसका अपॉइंटमेंट कर दो कुछ मेंबर्स कह रहे हैं इसका अपॉइंटमेंट मत करो ठीक है तो यहां पर डिविजन हो गया तो यहाँ नहीं लगेगा क्या होगा आर का यूज होगा प्लूरल और इसके अलावा जो हमने जेंडर की बात करी तो यहां पर भी तो चेंज आना चाहिए ना है ना तो क्या होगा द कमिटी आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ दिस अपॉइंटमेंट एंड देर इज मच रैंकर अमंग देर होना चाहिए दिस इज द सेकंड रूल ऑफ नाउन जो क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन अगर यूज करोगे तो सिंगुलर नंबर और न्यूटर जेंडर यूज करना अदरवाइज आप क्या करेंगे कि अगर डिविजन और सेपरेशन हो जाता है तो प्लूरल नंबर और कॉमन जेंडर का यूज किया जाएगा ठीक है दिस इज आई सपोज यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है आप जल्दी से बताओ अगर किसी को कोई डाउट है अभी दो, दो रूल्स में अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ लो जल्दी से क्विकली मीन वाई लाइजस्ट्रफ द बोर्ड इन दो क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी एरर लग रही है तो आप जल्दी से बताइए अभी तक कोई एरर है ओके 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 नो डाउट नो डाउट नो डाउट ओके क्लियर ओके क्रिस्टल क्लियर हो गया अरे बाबा क्रिस्टल क्लियर का मतलब पता है क्या होता है कि सब आया और गया आया और चला गया नहीं क्रिस्टल क्लियर नहीं सिर्फ क्लियर करो क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल साफ हो गया कि कुछ घुसा ही नहीं भेजे में तुम्हारे नहीं ऐसे नहीं करना है चलो ठीक है? आ, ठीक है है सबको किसी को डाउट नहीं है किसी को डाउट नहीं है तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ ठीक है एंड थर्ड रूल से देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लुरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है ठीक है सम वर्ड्स और अदर वर्ड्स भी नहीं बोलेंगे नाउन लिखेंगे ठीक है सम नाउस लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन नंबर तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इसके साथ कैसा वर्ब यूज करोगे तो यूज सिंगुलर वर्ब विद देम ठीक है कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है कहने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है उसमें एस लगा हो हो सकता है उसमें एस लगा हो लेकिन वो होगा सिंगुलर ही क्या आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो ऐसे नाउन्स के कि ऐसे कोई नाउन जो दिखने में प्लुरल हो लेकिन हो सिंगुलर कुछ ऐसा नाउंस मैथमेटिक्स इनिंग्स न्यूज वेरी गुड ओके पोएट्री नहीं पोएट्री कलेक्टिव नाउन होता है बाबा पोएट्री का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स ठीक है ओके, फिजिक्स मैथमेटिक्स दैट एब्सोल्युटली करेक्ट देखो मैथमैटिक्स दिखने में क्या है प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है लेकिन है क्या सिंगुलर इसी तरह से यू हैव दिस वर्ड इनिंग्स कल हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था दैट हम कभी भी इनिंग इनिंग नहीं लिखतेज इनिंग्स राइट ओके पॉलिटिक्स वेरी गुड पॉलिटिक्स वॉट एल्स फिजिक्स वेरी गुड फर्नीचर furniture का फर्नीचर कभी भी नहीं होता है फर्नीचर ही लिखते हो चाहे एक फर्नीचर हो चाहे दस फर्नीचर हो वो फर्नीचर ही होगा उसमें ऐसा नहीं लगता कभी ठीक है ओके इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा राइट तो ये सब क्या है हमारे पास बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं दिखने में क्या होते हैं प्लूरल होते हैं लेकिन होते है क्या है सिंगुलर सो इफ आई राइट मैथमेटिक्स

एक सेकेंड एक सेकंड आपने गोज लिखा गोज नाउन नहीं है बाबा गोज वर्ब होता है यहां पर हम बात करें कुछ नाउन जो दिखने में प्लूरल है बट होते हैं सिंगुलर है तो यहां पर क्या होगा करेक्ट है दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि मैथमेटिक्स लिखा है मैथमेटिक्स के साथ हमने इज लगाया है अगेन करेक्ट ठीक है आने से पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम नाउ टेल मी इज दिस सेंटेंस करेक्ट क्या ये वाला सेंटेंस करेक्ट है मैथम पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम ये करेक्ट है कि नहीं है जल्दी से बताओ ये करेक्ट है या नहीं है पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम क्विकली जल्दी जल्दी से करेक्ट 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 ओके पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम स्पेक्टिकल्स प्लुरल होता है नहीं बाबा स्पेक्टिकल्स uh, भी सिंगुलर होता है करेक्ट 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 वेरी गुड ये भी करेक्ट है पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम पॉलिटिक्स इज अरे गेम करेक्ट है कुछ नाउन जो दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर के साथ अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या आएगा क्या ट्विस्ट आता है अगर हम यही सेंटेंस लिख दे कि माई मैथमेटिक्स इज वेरी वीक एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू ये सच्चाई है ये कड़वा सच है मेरी जिंदगी का नेवर माइंड हमने लिखा माई मैथमेटिक्स इज वेरी वीक हमने लिखा माई मैथमेटिक्स इज वेरी वीक अब बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है जल्दी से माय मैथमेटिक्स इज वेरी वीक क्विकली टेल मी इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट जल्दी से बताओ माय मैथमेटिक्स आर वेरी वीक वेरी गुड अब माय मैथमेटिक्स इज गुड नहीं माय मैथमेटिक्स इज की जगह आर हो जाता है अभी भी मैथमेटिक्स ही लिखा हुआ है कुछ चेंज नहीं आया है लेकिन फिर भी यहां पर हमने आर लगा दिया क्यों क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? एक पोजेसिव केस पोजेसिव केस मतलब योर हर इट्स देर अगर आप इनमें से कोई भी यूज करते हो क्या बताया हमने माय योर हिज हर इट्स देर एंड योर योर हो गया सॉरी तो अगर आप इनमें से कुछ भी यूज करते हो तो इसके बाद क्या लगेगा अगर ऐसा कोई नाम यूज होता है जो दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर तो आप आर का यूज करेंगे सिमिलरली अगर हम सेंटेंस लिखते हैं द पॉलिटिक्स अभी हमने क्या लिखा था पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम अब हम लिख रहे हैं क्या पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी इज वेरी करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी इज वेरी करप्ट अब बताओ इसमें एरर है कि नहीं है पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी इज वेरी करप्ट क्विकली बताओ ओके इनकरेक्ट इनकरेक्ट यहां पर बताइए ये क्या गलती है कि नहीं है पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी इज वेरी करप्ट क्विकली जल्दी से बताना है ओके okay, ये भी रॉन्ग है आर होना चाहिए आर वेरी करप्ट वेरी गुड क्यों क्योंकि यहां पर भी हम पॉलिटिक्स जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हम पॉलिटिक्स जनरल सेंस में बात कर रहे थे लेकिन यहां पॉलिटिक्स सिर्फ एक सिटी से जुड़ी हुई है मतलब एक चीज तो हो गई आपकी पोजेसिव केस और दूसरा चीज होगी आपका अगर आप किसी नाउन को पार्टिकुलराइज़ करोगे पार्टिकुलराइज़ मतलब करना क्या होता है किसी भी नाउन को किसी एक सिटी किसी एक चीज के साथ एसोसिएट कर देना किसी एक चीज के साथ जोड़ देना इज वेरी नेसेसरी अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर इसका यूज नहीं होगा आर का यूज होगा अभी भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है अगर हमने लिख दिया पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी आर वेरी करप्ट अभी भी सेंटेंस इनकरेक्ट है तो बताइए इसमें क्या करेक्ट होगा जल्दी से क्विकली जल्दी से बताओ क्या एरर होगा इसमें ओके okay. रॉन्ग आर नहीं इन आएगा क्या मैम नहीं नहीं इन नहीं आएगा आर वेरी करप्ट तो हो गया हमने आर लगा दिया आर वेरी करप्ट हो गया अभी भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है तो बताइए क्या इनकरेक्ट है इसमें रॉन्ग आर इन दिस नहीं

यहां यहाँ तक क्वेश्चन नंबर थ्री तक आप क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं बोलेंगे रूल नंबर थ्री तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है इन माय ओपिनियन राइट चलो अब हम देखते हैं अपोस्ट्रफी से रिलेटेड कुछ चीजें ठीक है हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि अपोस्ट्रफी कहाँ लगता है और कहा नहीं लगता राइट right? हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि अपोस्ट्रफी कहां लगाना है कहा नहीं लगाना हमें नहीं पता राइट right? तो देखो अपोस्ट्रफी होता क्या है सबसे पहली चीज जब आपने कभी हमेशा या कभी ऐसा किया होगा कि अपोस्ट्रफी के साथ एस लगाया होगा कभी यह भी देखा होगा कि अपोस्ट्रफी लगा हुआ है लेकिन उसके साथ एस नहीं लगाया राइट कभी यह भी देखा होगा अच्छा ये कंडीशन क्या होती है जेस्टर तरह जिस तरह से हम हिंदी में का की और के का यूज करते हैं उसी तरह से हम अपोस्ट्रफी का यूज करते हैं ऑफ को शो करने के लिए मतलब बिलोंगिंगनेस ओनरशिप डिफाइन करने के लिए ये उसका है इज वॉट वी डिफाइंड बाई अपोस्ट्रोफी यही हम डिफाइन करते हैं ठीक है सबसे पहली चीज ये लिविंग बींग्स के साथ यूज होता है लिविंग बींग्स के साथ यूज होता है ठीक लिविंग बींग्स में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो एस के बाद ए, एस नहीं लगेगा एस के बाद यस वेरी गुड देखो लिविंग बींग्स में दो चीजें होती हैं चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो अगर वर्ड के लास्ट में एड एस लगा हुआ है वर्ड्स एंडिंग विथ एस और वर्ड्स डू नॉट एंड विथ एस अगर एस लगा हुआ है लास्ट में तो आप सिर्फ पोस्ट्रोफी लगाओगे यहां पर एस का यूज नहीं होता अदरवाइज अगर एस नहीं लगा हुआ है तो यहां पर पोस्ट्रोफी भी लगेगा और एस भी लगेगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नाम है फ्रांसिस ठीक है फ्रांसिस अगर हमें बोलना है फ्रांसिस की कार ब्लैक है तो क्या बोलोगे फ्रांसिस कार इज ब्लैक क्या बोलोगे अब यहां पर फ्रांसिस की गाड़ी है ये दिफान करना है अपोस्ट्रोफी हमें डिफाइन करना है मतलब हमें का की के बिलोंगिंगनेस बताना है कि फ्रांसिस की गाड़ी है अब यहां पर क्या करेंगे फ्रांसिस है तो लास्ट में क्या लगा है एस लगा है तो यहां पर आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करोगे एस का यूज इसके बाद नहीं होगा ठीक और अगर यही चीज ऐसे होती जॉन कार इज ब्लैक तो यह चीज क्या होती यहां पर आप पोस्ट्रोफी भी लगाते हैं और इसका यूज भी करते जिसका मतलब क्या है जिसका मतलब यह है कि आप क्या डिफाइन कर रहे हो जॉन की गाड़ी ब्लैक है ठीक है तो यह कंडीशन हो गई अब देखो अगर दूसरी चीज की बात करें नॉन लिविंग के साथ आप पोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं ठीक है थीके? या इसको ये फर्स्ट वाला क्लियर हो चुका है तो अब हम इसको हटा देते हैं ठीक है थीके? देखो हमने क्या बोला दूसरी कंडीशन क्या है आप नॉन लिविंग के साथ दिस इज द थर्ड कंडीशन अपोस्ट्रोफी की नॉन लिविंग के साथ आप क्या नहीं यूज करते अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते अपोस्ट्रोफी राधे फोर्थ हमने तीन रूल ऑलरेडी पढ़ लिए हैं ये चौथा है अपॉस्ट्रोफी नॉन लिविंग के साथ आप नहीं यूज करते फॉलो अपोस्ट्रोफी ठीक है आप पोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे कब आप यूज कर सकते हैं अब इस चीज की याद आती इस चीज की बात आती है ठीक है कब आप यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमने लिखा स्टेटमेंट दी चेयर्स लेग इज अगर हमने लिखा द चेयर्स लेग इज सेंटेंस में क्या लिख रहे हैं चेयर लेग इज ब्रोकन ये गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि क्यों यहां पर चेयर क्या है नॉन लिविंग है तो हमें क्या लिखना है द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन दिस इज द करेक्ट सेंटेंस दैट शुड बी यूज ये करेक्ट सेंटेंस है जो यूज होना चाहिए अब क्या कंडीशन आती है कि कहां कहां पर यूज हो सकता है अगर हम किसी चीज की पर्सोनिफिकेशन करें पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई ऐसी चीज लिखे जो नॉन लिविंग के पास नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो हमने स्टेटमेंट लिखा क्या अगर हमने लिखा सन uh, तो सन नॉन लिविंग है नॉन लिविंग है और सन के साथ हमने लगा दिया फ्यूरी तो फ्यूरी एंगर होता है फ्यूरी किसकी होती है लिविंग की होती है तो मतलब हमने नॉन लिविंग के साथ लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक लगाया तो क्या हुआ पर्सोनिफिकेशन अब यहां पर आप सन फ्यूरी लिख सकते हो हमने लिखा नेचर और नेचर के साथ लगा दिया लव तो लव नेचर नहीं देता लव किसी लिविंग बींग का काम है देने का राइट और लव लिविंग बींग का काम है और आपने लगा दिया नॉन लिविंग के साथ तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो नेचर लव लिख सकते हो दूसरी चीज अगर आप मेजरमेंट की बात करते हैं मेजरमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह का नापने का बात कर रहे हो तो भी आप अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ही सिक्स आठ हैंड डिस्टेंस फ्रॉम मी या फिर ही लिव्स एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई प्लेस तो मतलब वो मुझसे एक हाथ की दूरी पर बैठता है दूसरा ही लिव्स एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई प्लेस वो मेरे घर से एक पत्थर फेंकने की दूरी पर रहता है तो ही एट अ हैंड्स डिस्टेंस क्यों क्योंकि हाथ से आप क्या बता रहे हो उसके और अपने बीच की दूरी को डिफाइन कर रहे हो इसलिए दूसरा he lives at a stone throw. Again, stone, क्या डिफाइन कर रहा है मेरे घर और उसके घर की दूरी डिफाइन कर रहा है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए स्टोन थ्रो यूज होना चाहिए सो द सेंटेंस विल बी वॉट स्टोन थ्रो फ्रॉम माई प्लेस ठीक है नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी वो किस चीज की कंडीशन है कि अगर आप किसी हेवनली बॉडी की बात करते हैं हेवनली बॉडी मतलब जो स्पेस की चीजें हैं स्पेस में जो बॉडीज उपलब्ध है अगर उनकी बात करते हो तो उनके साथ भी आप अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो कैसे अगर हमने बोला हेवनली बॉडी को यूज करना है तो कैसे करोगे बताओ हाउ विल यू डू दैट देखो जैसे हमें लिखना है अर्थ और अर्थ का एटमोस्फियर तो क्या लिखेंगे अर्थ एटमोस्फियर आप लिख सकते हैं क्यों क्योंकि अर्थ क्या है एक हेवनली बॉडी है और हेवनली बॉडी होने के कारण आप इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो ठीक है स्टोन थ्रो का मतलब हुआ एक हाथ की एक पत्थर फेंकने की दूरी इट्स अ फ्रेज वैसे आटा स्टोन थ्रो ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है क्या जिसका मतलब होता है आ, काफी पास में रहते हैं ठीक पर्सोनिफिकेशन के साथ वाले रिपीट कर दे अच्छा ठीक है पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जोड़ना जो लिविंग बींग्स के साथ है फ्यूरी

इतना चीज आपको अब क्लियर हो गया है कि क्या आपको यूज करना है और कैसे आपको यूज करना है ठीक है तो अपॉस्ट्रफी तक फोर्थ कंडीशन फोर्थ रूल तक क्या आपको कोई कंडीशन या कोई डाउट है जल्दी बताओ हर्ष सही होगा अब देखना पड़ेगा हर्ष सही होगा कि नहीं होगा ठीक है अपॉस्ट्रफी का हम आपको एक और चीज बता रहे हैं वो ध्यान से देख लेना अगर हमने बोला हनी एंड हनी सिंह यही है, ठीक है हनी सिंह एंड अरिजीत सिंह दिस इज अगेन रिलेटेड टू अपॉस्ट्रोफी ओनली ये भी अपोस्ट्रोफी से ही रिलेटेड है हनी एंड अरिजीत सिंह हनी सिंह एंड अरिजीत सिंह एल्बम इज रिलीजिंग सून अब यहां पर बताओ आप अपॉस्ट्रोफी हनी सिंह के साथ लगाओगे या अरिजीत सिंह के साथ लगाओगे द क्वेश्चन कम्स आप हनी सिंह के साथ अपोस्ट्रोफी uh, लगाएंगे या फिर अरजीत सिंह के साथ लगाएंगे बताओ क्विकली जल्दी से जल्दी से बताना है ओके हनी सिंह या अरजीत सिंह जल्दी जल्दी ओके अरिजीत सिंह के साथ लगाएंगे अरिजीत सिंह के साथ ओके अच्छा एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये है हनी सिंह एंड अरिजीत सिंह म्यूजिक आर वेरी फेमस अमंग अमंगस्ट द यूथ बताओ यहां पर बताओ क्या गलती है क्या गलती है कि नहीं है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है एक हनी सिंह दूसरा अरिजीत सिंह और एल्बम है एल्बम के साथ इज लगा हुआ है मतलब एल्बम सिर्फ एक ही है और एक एल्बम है जिसमें हनी सिंह भी है और अरजीत सिंह भी है, क्या? ये करता है कि हमारे पास जब दो सब्जेक्ट ये हैं और दोनों सब्जेक्ट का पोजेशन पोजेशन क्या है सेम है जॉइंट पोजेशन है तो क्या करेंगे जॉइंट पोजेशन है तो क्या करेंगे लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रफी लगाएंगे लास्ट नाउन विल होल्ड दी अपोस्ट्रफी। तो यहां पर लास्ट नाउन क्या अच्छा अगर हनी सिंह सोनू निगम एंड अरजीत सिंह लगा दे तो भी हमारा जो अपोस्ट्रफी यूज होगा वो लास्ट वाले के साथ होगा तो हम क्या लगाएंगे अरिजीत सिंह एल्बम इज रिलीजिंग सून सिमिलरली अब यहां पर आओ हमने लिखा हनी सिंह अरिजीत सिंह म्यूजिक आर अब मतलब क्या हो गया म्यूजिक आप दो अलग अलग लोगों की बात करो यहां पर एक नहीं है और जब एक नहीं है तो म्यूजिक दोनों का अलग अलग है अब इसमें आप हनी सिंह के साथ भी लगाएंगे और अरिजीत सिंह के साथ भी लगाएंगे क्यों क्योंकि ये दो अलग अलग चीजों को डिफाइन कर रहा है तो यहां पर ज्वाइंट पोजेशन नहीं है यहां पर आपके पास सेपरेट पोजेशन है सेपरेट पोजेशन है दोनों का अधिकार दो चीज पे अलग अलग है इस वजह से हम दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं ठीक है समझ में आ गया जी समझ में आ गई ओके चलो अब आते हैं हम एक और कंडीशन पे और देखते हैं कि उसमें क्या यूज करना है देखो सबको पता है जब हम किसकी बात करते हैं प्रोनाउन की बात करते हैं राइट जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन से रिलेटेड एक ही कंडीशन है क्या कि अगर आपके पास यूज करना है आई या मी या माए या माइन कंडीशन सारी आई की है राइट आई के बाद आई भी होगा मी भी होगा माई भी होगा माइन भी होगा तो मैं आपको यह चीज बता दे कि आई ही शी इट यू और दे ये सब होते हैं क्या सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस राइट अगर हम इसी की जगह लिखे हिम हर इट यू और देम तो ये सब होते हैं ऑब्जेक्टिव केस राइट ये सब क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव केस और माई माइंड के साथ अगर हम लगाते हैं हिज हर या हर्स इट्स योर या योर्स अच्छा इसमें एक और चीज आती है वी यहां आती है अस तो दे का देर या देर्स एंड वी हैव आर या आर्स तो ये सारी कंडीशन डिफाइन करती है किसको पोजेसिव केस को मतलब कि अधिकार बताने के लिए तो जब हमें ये बोलना है कि ये, उसका है, जब हमें ये बोलना है कि ये उसका है तो कि उसका her, your, our, अगर हमको ये बोलना है कि ये किसका है तो हम इसको इन सबको यूज करेंगे अब जो क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कहा यूज होता है तो यही कंडीशन हमें डिफाइन करनी है क्या कि अगर आपके पास सेंटेंस में क्या लिखा है बट डैन आज या टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या हुआ इज एम आर वॉज वर ठीक है इज एम आर वॉज वर अगर आपके पास इनमें से कुछ भी दिया हुआ है इनमें से कुछ भी दिया हुआ है तो इसके बाद आप लगाओगे क्या इसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्टिव केस मतलब आप यूज करोगे आई ही शी इट यू दे वी ठीक अगर आपके पास इसके अलावा दिया हुआ है एक्सेप्ट लेट लाइक या फिर कोई प्रपोजिशन तो इनके बाद आप यूज करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव केस ठीक है इनके बाद आप क्या यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या हुआ मी हिम हर इट यू देम या फिर अस इनका ठीक है तो चलो देखते हैं सेंटेंसेस हमने लिखा राहुल अर्स मोर देन मी ये करेक्ट होगा राहुल अर्स मोर देन मी जल्दी से बताओ ओके okay, हिमानी ने भी एक और आंसर दिया है अगर हम बोले लेट आई एंड यू गो सॉरी टू द मार्केट लेट आई एंड यू गो टू मार्केट अगर ये सेंटेंस लिखा है तो क्या ये करेक्ट है जल्दी से बताओ क्या ये करेक्ट है और इफ आई से व्हाट एल्स ओके एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन यू एंड मी क्या ये करेक्ट है जल्दी से बताओ इन तीन क्वेश्चंस में आपको कुछ एरर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आई 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 वेरी गुड जब राहुल मोर दान लगा हुआ है दान लगा है तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज करना था मी नहीं लगेगा क्या लगेगा आई का यूज करेंगे ठीक नेक्स्ट लेट आई एंड यू गो टू मार्केट ये भी गलत है यू एंड आई क्या होगा लेट के बाद क्या लगाना था लेट के बाद लगाना था ऑब्जेक्टिव के केस तो आई नहीं लग सकता क्या लगेगा मी लगेगा और एक कंडीशन होती है पर्सन से रिलेटेड टू थ्री वन और वन टू थ्री की राइट टू थ्री वन मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन टू थ्री वन वहां फॉलो होता है जहां पे सारे प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं वन टू थ्री वहां फॉलो होता है जहां पे सारे प्रोनाउंस प्लूरल होते हैं तो अब यहां पर बताओ सारे प्रोन्स सिंगुलर है या प्लूरल है लेट मी एंड यू मी एक है सिंगुलर यू एक है सिंगुलर तो जब सिंगुलर है तो क्या लगना चाहिए यू यू पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन बाद में जाएगा मतलब हम क्या लगाएंगे लेट यू एंड मी गो टू द मार्केट लास्ट सेवरीथिंग इज ओवर बिटवीन यू एंड मी हर कुछ हमारे बीच में खत्म हो चुका है तो अगेन हमारे पास क्या आया है प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के बाद क्या लगाना है ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस लगेगा तो क्या लगेगा यू एंड मी का यूज नहीं करेंगे यू तो करेक्ट है लेकिन मी भी करेक्ट है क्यू क्योंकि यू और मी दोनों ऑब्जेक्टिव केसेज में ही यूज हो रहे हैं अच्छा टू थ्री वन एंड वन टू थ्री नई सेवन में आया देखो आई टेल यू बहुत ब्रीफली बताते हैं फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ऐसा नहीं हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे वेन आई से टू थ्री वन या इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा है ठीक है बट दैन एज टू बी फॉर्म अगर हमने सेंटेंस लिखा इट इज हिम हु हैज डन दिस इट इज हिम हु हैज डन दिस तो ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट है तो क्या गलती है जल्दी से बताओ इट इज हिम हु हैज डन दिस ये वही है जिसने ये काम किया है ठीक है और अगर हमने स्टेटमेंट लिखा नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू बट मी तो क्या लगाए क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है इनकेस वी एक्सेप्ट मिस्टेक इट इज वन टू थ्री दैट एपस्यूटली करेक्ट बी इट सिंगुलर और प्लूरल इन केस वी एक्सेप्ट मिस्टेक वी विल यूज वॉट वन टू थ्री यहां पर बताओ क्या होगा ही वेरी गुड इट इज लगा हुआ है इस क्या है टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो क्या लगाएंगे इसके बाद आप हिम का यूज नहीं करोगे इट इज ही डन दिस इज करेक्ट इट इज ही लगना चाहिए और दूसरा क्वेश्चन क्या है नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू बट मी तो बट के बाद क्या आएगा सब्जेक्टिव केस तो बट आई का यूज करेंगे नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू बट आए और इसी के साथ अगर हम एक स्टेटमेंट ये लिखते हैं नन वॉज रेडी फॉर द मीटिंग एक्सेप्ट वी तो ये क्या गलती है कि नहीं है नन वॉज रेडी फॉर द मीटिंग एक्सेप्ट वी वी लिखा है डब्ल्यू ई -E. बताओ क्या होगा नन वॉज रेडी फॉर द मीटिंग एक्सेप्ट वी क्या होगा एक्सेप्ट बट के साथ आई लगेगा एप्सल्यूटली करेक्ट अब ये लास्ट क्वेश्चन बताइए नन वो वॉज रेडी फॉर द मीटिंग एक्सेप्ट वी क्या होगा यहां पर अस का यूज करेंगे दैट्स एप्सल्यूटली करेक्ट अस का यूज करेंगे क्यों क्योंकि एक्सेप्ट के बाद क्या लगाना था ऑब्जेक्टिव केस और वी होता है सब्जेक्टिव केस तो वी की जगह क्या लगेगा अस का यूज होगा में आ गया तो इतना आई सपोज आपको क्लियर हो गया है जो हमने आज काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करी नाउन से रिलेटेड क्या नाउन से रिलेटेड सबसे पहली चीज थी कि जब कलेक्टिव नाउन यूज करोगे तो कहां पर क्या लगेगा कब सिंगुलर ट्रीट होगा कब प्लूरल ट्रीट होगा जब हम अपोस्ट्रोफीज का यूज करेंगे तो अपोस्ट्रोफीज क्या हमारे पास क्या क्या कंडीशन लेके आती है जॉइंट पोजेशन लेके आएगा पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड है नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज होगा लिविंग के साथ यूज होगा उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं तो उनके साथ आप लगाओ सिंगुलर वर्ब लगाओगे और कब प्लूरल वर्ब लगाओगे राइट तो इसके साथ ये कंडीशन हो गई चौथी कंडीशन आपने ये पढ़ी प्रोनाउन से रिलेटेड कि जब आप केसेस को यूज करते हो तो बट दैन आज और टू बी के साथ आप क्या टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगाओगे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जब आपके पास एक्सेप्ट लेट लाइक या प्रपोजिशन आता है तो आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हो पोजेसिव केस ये बताता है कि आप जब अधिकार डिफाइन करने जाओगे तो आपको पोजेशन दिखाना है ठीक है तो ये सारे ऑप्शन भी हमने क्लियर कर लिए ये सारा कंफ्यूजन भी हमने क्लियर कर लिया कि किस तरह से क्या करना है एक और चीज जो हमने देखी वो क्या थी एक और चीज दैट इज पर्सोनिफिकेशन एंड लेट मी टेल यू पर्सोनिफिकेशन इज वन मेजर पार्ट ऑफ एवरी ठीक है आपको सेंटेंस आएगा या नहीं आएगा सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करना एक सेंटेंस को पढ़ के ठीक है तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट ये पहला पार्ट था ट्वेंटी मस्नो रूल्स का हम लोग कल फिर मिलेंगे कुछ और नए रूल्स के साथ टिल कीप वॉचिंग अडर टू फोर सेवन और लाइक सब्सक्राइब शेयर आर वीडियो ऐसा बोलना चाहिए है ना ताकि अच्छा हो जाए आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो हम लोग को और सपोर्ट करोगे तो अच्छा ही होगा anyway तो कीप वॉचिंग अडर टू फोर सेवन और आपके लिए थोड़ी देर में एक नया शो आ रहा है कीप वॉचिंग इट थैंक यू सो मच हेलो फ्रेंड्स एन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो have वी नो वी हैव to grammar रूल्स रिलेटेड very important for वेरी इम्पोर्टेंट फॉर are वी आर some more ऑफ them. हमने आपको जैसा याद होगी कल हमने कुछ रूल्स को डिस्कस कर लिया था जो 20 आपके इम्पोर्टेंट रूल्स हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए उसमें से पांच रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे एंड टूडे विल बी सॉल्विंग सम मोर ऑफ इट ठीक है आज हम कुछ और रूल्स सॉल्व करने वाले हैं तो जैसे कि हमने पांच रूल सॉल्व कर लिए थे लेट्स बी द सिक्स्थ वन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट में तो हमने क्या पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड चीजें राइट right? हमने ये भी बताया था कि आपको कहां पर सब्जेक्टिव केस लगता है कहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगता है क्योंकि इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन आती है राइट नाउन में कब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा कब वो प्लूरल हो जाएगा जब हम कुछ ऐसा वर्ड देखते हैं जो दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर जैसे मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल्स कल हमने देखे थे राइट right? सो so ये सब चीजें क्या है ये ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जो आपको कन्फ्यूज कर सकता है राइट right? तो अब पांच रूल्स के बाद लेट्स बिगिन विद दिस एंड देखते हैं आज कुछ एडजेक्टिव के रूल्स ठीक है तो एडजेक्टिव की अगर बात करें हमने आपको कहा था क्या एडजेक्टिव होता क्या है एक्चुअली दिस इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन कब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है तो आपको वो शब्द ढूंढना है जो आपके दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा अब ये एडजेक्टिव आपका जो दिया हुआ है ये एडजेक्टिव

is wiser than handsome kya ye sentence correct hai ramesh is wiser than handsome quickly batao jaldi se jaldi se batao quickly ramesh is wiser than handsome okay आशा अगर बफरिंग हो रही है तो मैम please आप एक बार रिफ्रेश कर लो ठीक हो जाएगा ओके, रमेश इज वाइजर दैन हैंडसम इसमें क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है आप जल्दी से आंसर बताओ तब तक आई राइट द रूल ऑफ इट ठीक है इसका रूल क्या है वो मैं आपको बताऊंगी नोप नोप ओके नॉट, नॉट मोर वाइज रॉन्ग है रोंग है रोंग है रोंग तो है लेकिन क्या रोंग है ये भी तो बताओ देखो वॉर इज देयर Whenever we have a single person, ठीक है हमारे पास जब भी single person दिया हुआ है एक आदमी दिया है अगर उस आदमी की दो qualities given है first quality and second quality, ठीक है दो qualities given है first quality and second quality, अब कौन कौन सी पहला इंसान कौन है first in, uh, single person रमेश दो qualities कौन सी है कि वो चलाक है और वो handsome भी है लेकिन वो handsome से ज्यादा चलाक है तो दो क्वालिटीज हैं और आपने इन दोनों क्वालिटीज को क्या कर दिया कंपेयर कर दिया और जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे यूज मोर इंस्टेड ऑफ ई आर डिग्री ठीक है जो ई ER आर वाली डिग्री जैसे कि आपने यहां पर वाइजर लगा रखा है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे वाइजर की जगह मोर वाइस कर देंगे सी गाइस ऐसा नहीं है कि वाइस का वाइजर होता नहीं है होता है लेकिन ऐसी कंडीशन में नहीं लगेगा क्यों क्योंकि हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं अब सपोज करो हम अगर ऐसे बोले रमेश इज वाइजर दैन हिज ब्रदर तो क्या यहां पर मोर वाइज लगेगा बताओ क्या इस सेंटेंस में ये जो लॉजिक हमने देखा है क्या ये लॉजिक इस सेंटेंस में फॉलो होगा रमेश इज वाइजर दैन हिज ब्रदर क्या इस सेंटेंस में यह करेक्ट होगा ओके <coughs> बताओ okay. यहां पर हमने कर दिया रमेश इज मोर वाइज दैन हैंडसम दिस इज करेक्ट वाई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं और सिंगल पर्सन की दो क्वालिटीज को हमने कंपेयर किया कि वो से ज्यादा चलाक है तो हमने ये जो चलाक वाला कंपैरिजन किया इसको हम मोर वाइज लिखेंगे मोर शब्द का यूज करेंगे और जब भी मोर शब्द का यूज करते हैं उसके आगे वाली डिग्री पॉजिटिव हो जाती है यस 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 नो 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 यस फॉलो होगा नहीं होगा क्यों नहीं फॉलो होगा यहां पर हमने पहले ये कंडीशन लगा दी लगा दी थी क्या कि सिंगल पर्सन होना चाहिए बट यहां पर क्या है यहां पर रमेश है और रमेश को कंपेयर किया जा रहा है उसके भाई से यहां कंपैरिजन रमेश का नहीं हो रहा था इस सेंटेंस में कंपैरिजन रमेश की दो क्वालिटीज का हो रहा था रमेश की दो क्वालिटीज कंपेयर हो रही थी लेकिन इस समय इस सेंटेंस में आपने रमेश को उसके भाई से कंपेयर कर दिया और यहां पर जो वाइजर लगा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है समझ में आ गई इतनी बात ठीक है तो मतलब क्या हुआ जब भी आपके पास सिंगल पर्सन होगा दो क्वालिटीज क्वालिटीज होंगी दोनों में अगर क्वालिटी है तो मोर वाला आप यूज करोगे अदरवाइज आप इसका यूज नहीं करोगे ठीक है देखो अब ये सिंगल पर्सन से रिलेटेड एक और रूल है और उसमें भी आपकी दो ही क्वालिटीज आएंगी ठीक है तो डिफरेंस क्या है इसमें देखो अभी आपने देखा जो सिंगल पर्सन से रिलेटेड फर्स्ट क्वालिटी सेकंड क्वालिटी उनको आपस में कंपेयर किया था अब डिफरेंस क्या है अभी भी एक ही इंसान है अभी भी सिंगल पर्सन है अभी भी दो क्वालिटीज है लेकिन दोनों क्वालिटीज कौन सी डिग्री में दी है अब कंपेरेटिव डिग्री की बात नहीं होगी अब सुपरलेटिव डिग्री में दी हुई है सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया अब टॉलेस्ट स्मार्टेस्ट क्विकेस्ट मोस्ट हैंडसम मोस्ट इंटेलिजेंट ये जो वर्ड्स है मोस्ट ब्यूटिफुल ये जो वर्ड्स है ये सब सुपरलेटिव डिग्री में ठीक है तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में है और एक ई फॉर्म में दी हुई है ई मतलब टॉलेस्ट स्मार्टेस्ट हैंडसम मोस्ट हांस और एक दी हुई है मोस्ट के फॉर्म में दैट इज मोस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट ठीक है तो इसमें कंडीशन क्या फॉलो होती है यूज ई एस टी बिफोर मोस्ट मतलब ई एस टी वाली जो डिग्री है आप उसको मोस्ट वाली डिग्री से पहले लगाओगे जो ई एस टी वाला वर्ड है उसको पहले लगाएंगे और जो मोस्ट वाला वर्ड है उसको बाद में यूज करेंगे ठीक है दिस इज वन कंडीशन दैट वी हैव ये लेट मी गिव यू सेंटेंस चलो रमेश को ही दोबारा ले लेते रमेश इज द मोस्ट हैंडसम एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन द ऑफिस बताओ रमेश इज द मोस्ट हैंडसम एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन द ऑफिस इसमें क्या होगा क्या करेक्ट है बताओ ओके आई हैव चेंज माई पेन आई एम सॉरी आपको नहीं दिख रहा था मैंने चेंज कर लिया बताओ रमेश इज द मोस्ट हैंडसम एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन द ऑफिस क्या होगा जल्दी से ये बताओ ओके okay, मोस्ट वाला बाद में आता है वेरी गुड इस कंडीशन में क्या करेंगे ये जो द स्मार्टेस्ट ये कौन सी डिग्री है ई वाली राइट right? ई वाली और यहां पर क्या लगा हुआ है मोस्ट तो हमने क्या बताया था कि मोस्ट वाली डिग्री आपकी बाद में आती है जबकि सेंटेंस में मोस्ट पहले लगा हुआ है तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए बताओ क्या होगा सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे स्मार्टेस्ट वाली पहले रमेश इज द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम मैन इन ऑफिस अब क्या ये सेंटेंस करेक्ट है

राम प्रवेश मोर का यूज़ नहीं करेंगे सर मोर का यूज़ होता है कंपेरेटिव डिग्री में हमने यहाँ पर पहले ही कंडीशन बता दी कि हमें मोस्ट का यूज़ करना है जो कि सुपरलेटिव डिग्री होती है ठीक है ओके वेरी गुड रोजी ने आंसर कर दिया है कि द नहीं आएगा देखो जब आपने ये देखा कि स्मार्टेस्ट और मोस्ट हांसम दिया हुआ है सो दिस इज सॉरी दिस इज वन कंडीशन ऑफ ग्रामर कि जहां पर भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो उससे पहले आप द का यूज करते हो तो हमने भी यहाँ पर जो द लगा रखा है तो हमने द स्मार्टेस्ट के आगे भी लगाया द मोस्ट के आगे भी लगाया अब एक चीज जब दोनों एक ही इंसान के लिए यूज होते हैं only, जब ढेर सारे ऑब्जेक्टिव एक ही इंसान के लिए यूज होते हैं तो क्या करते हैं पहले वाले के साथ आप आर्टिकल का यूज करते हो बाकी सबके साथ आपको आर्टिकल का यूज करना जरूरी नहीं है तो यहां पर हम द का यूज

When one is compared with many, जब हम एक को एक से ज्यादा से कंफ्यू कंपेयर uh, करते हैं तो क्या होगा इट्स कंफ्यूज फॉर मी कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज आस्क ठीक है चलो बताओ When वन इज compared with many जब एक को हम एक से ज्यादा से कंपेयर करते हैं तो हम कंपेरेटिव डिग्री का भी यूज कर सकते हैं और सुपरलेटिव का भी यूज कर सकते हैं ठीक है हम कंपेरेटिव डिग्री का भी यूज कर सकते हैं एंड वी कैन यूज सुपरलेटिव डिग्री एज वेल ठीक है अब ये कंडीशन कैसी आती है देखो जब भी तुम एक को एक से ज्यादा से कंपेयर करोगे और कंपेरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखने वाली क्या है इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा दान उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा एनी उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा अदर और उसके बाद जो नाउन यूज होगा ये होगा सिंगुलर बात हमने क्या बोला एनी अदर नाउन नाउन होगा सिंगुलर अब यही चीज अगर आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ फॉलो करने लग जाओ तो सुपरलेटिव डिग्री में दान लगता है नहीं लगता एनी लगता है नहीं अदर लगता है नहीं तो ये सब जब कुछ नहीं लगेगा तो क्या लगेगा यहां पर हम ये सब ना लगा के ऑल का यूज करते हैं और नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है और एक रूल मैं आपको और बता दू जब भी ऑल का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है तो उससे पहले the लगाया जाता है जब भी ऑल का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है तो उससे पहले द का यूज किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे तो ऑल द प्लूरल नाउन का यूज करना होगा आपको ठीक है चलो देखो कंपेरेटिव <coughs> हुआ क्या अब आपको हम स्टेटमेंट्स देते हैं हमने स्टेटमेंट लिखा क्या

ओके बताओ शी इज बेटर एनी अदर स्टूडेंट द क्लास बताओ शी है एक लड़की मतलब वन और आप उसको बाकी सारे स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हो मतलब आपने एक को एक से ज्यादा से कंपेयर किया वन इज कंपेयर विद मैनी करेक्ट फिर आपने क्या यूज किया है दान का कंपेरेटिव डिग्री यूज करी है बेटर करेक्ट उसके बाद क्या लगना चाहिए था दान करेक्ट उसके बाद क्या लगना चाहिए एनी करेक्ट उसके बाद क्या लगना चाहिए अदर करेक्ट उसके बाद नाउन जो होगा वो क्या होना चाहिए था सिंगुलर वेरी गुड आंसर दे दिया है और ये स्टूडेंट्स नहीं होगा दिस शुड बी स्टूडेंट ये एस जो यहां पर लगा हुआ है इसको हटा देंगे ठीक अब हम बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ हमने बोला एलेक्सेंडर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ एनी से कंपेयर तो किया और कौन सी डिग्री यूज करिएटिव डिग्री यूज करिए तो हमने कहा था अदर कुछ भी नहीं लगेगा राइट दान एनी अदर कुछ भी नहीं लगेगा तो लगेगा क्या वो आपको बताना है जल्दी से बेटा इजी इसलिए हो गया क्योंकि तुमको तो लॉजिक पता चल गया ठीक है अभी हम तुमको तो एक क्वेश्चन देंगे उसमें बताना वो इजी होगा कि नहीं ठीक ओके okay. बताओ इस सेंटेंस में क्या रह है जो अभी आपको दिख रहा है एलेक्सेंडर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ एनी अदर किंग जल्दी से बताएं जल्दी से ओके ऑल किंग्स वेरी गुड एलेक्सेंडर आपने क्यों क्या यूज कर लिया सुपरलेटिव डिग्री अब यहाँ पर एनी नहीं लग सकता अदर नहीं लग सकता क्या लगेगा ऑल का यूज करेंगे पहली चीज और यहाँ किंग को हम कर देंगे किंग्स और जब ऑल और किंग्स ऑल और प्लूरल नाउन एक साथ यूज होंगे तो उसके साथ द का यूज होगा तो सेंटेंस बनेगा एलेक्सेंडर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स इज द करेक्ट स्टेटमेंट नाव लेट मी गिव यू वन मोर सेंटेंस ये सेंटेंस शायद आपने पहले देखा भी होगा कभी मैंने शायद आपको बता दिया हो बात बात में लेकिन लेट सी आपको याद है या नहीं याद है डेली इज बेटर नहीं हाँ लिख सकते हैं डेली इज फार बेटर देन एनी अद मेट्रोपोलिटन ऑफ पाकिस्तान बताओ डेली इज फार बेटर दैन एनी अदर मेट्रोपोलिटन ऑफ पाकिस्तान आई होप यू मस्ट हैव सीन दिस सेंटेंस आपने ये सेंटेंस देखा जरूर होगा लेकिन ये बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है डेली इज फार बेटर दैन एनी अदर मेट्रोपोलिटन ऑफ पाकिस्तान क्विकली ओके ऑल द काइंड ऑल द काइंड किंग्स यहां पर बताओ क्या है डेली इज फार बेटर एनी अदर मेट्रोपोलिटन ऑफ पाकिस्तान क्विकली बताइए जल्दी से बहुत जल्दी ओके इज आस्किंग मी टू रिपीट इन इंग्लिश लेट्स डू दैट वन इज विद मेनी यू कैन यूज कंपेटिव और सुपरलेटिव डिग्री वैन यू यूज अ यूजेरेटिव डिग्री इट शुड बी फॉलोड बाई दैन देन एनी देन एदर अदर एंड देन द नाउन यूज विल बी इन सिंगुलर फॉर्म बट इफ यू यूज सुपरलेटिव डिग्री It will not be followed by than any other. Rather, you will use all, the, and noun in plural form. For example, here we have written she is better than any other student of the class. That means you are comparing she, that is one, with the other students, that is many. And you are using a comparative degree. For this reason, you have to follow it by than, any, other, and the noun should be in. Singular form, so we are using student here. Similarly, we have superlative degree, and here we have placed Alexander was the greatest of any other king. That's incorrect. When we use Alexander, when we are comparing Alexander with the other kings of his time, then and we are using a superlative degree, so we need to follow it with all the noun plural. Okay, so here we need to place all, cut any, place the, cut other, and the noun that is king it should be in plural form.

ओके मच बैठा नो लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू इतना कंफ्यूजन नहीं देखो अभी तक हम कंपैरिजन कर रहे थे तो शी उस क्लास की मेंबर थी कि नहीं थी उस क्लास की स्टूडेंट थी ना जिस क्लास से कंपैरिजन हो रहा था था एलेक्सेंडर को जब हमने बाकी सारे किंग से कंपेयर किया तो उसके समय के बाकी सारे किंग से कंपेयर किया राइट यहां जब आप दिल्ली को कंपेयर कर तो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन तो है लेकिन दिल्ली क्या मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान की है यहाँ कंपैरिजन जो आपका है वो गलत हो गया ठीक है क्यों क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एक लेवल में कंपैरिजन करते हैं फॉर एग्जांपल फैकल्टी का कंपैरिजन स्टूडेंट से नहीं होगा स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट से फैकल्टी का कंपैरिजन फैकल्टी से ऐसे कंपेयर करते हैं मतलब लेवल का जो कंपैरिजन होता है वो लेवल मेंटेन करना चाहिए बट यहाँ पर हमने दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन इंडिया की है इंडिया के मेट्रोपॉलिटन को पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन से कंपेयर कर दिया तो दो डिफरेंट कंट्रीज आ गई ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा करेक्ट हो सकता है बस करना क्या है यहां से अदर हटा दो क्योंकि अदर बताता है इसके जैसा है ना इसके जैसा अब दिल्ली के जैसा पाकिस्तान में कहां चला जाएगा नहीं जा सकता ना तो बाकी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा बस आप अदर का यूज हटा देंगे जब भी ऐसा कंडीशन आता है वेयर यू आर कंपेयरिंग वन ऑफ वन कैटेगरी एंड दी अदर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी जब आप एक एक कैटेगरी का हो और बाकी सारे दूसरे कैटेगरी से कंपेयर करते हो तो बाकी तो सेम रहेगा कंपेटिव डिग्री लगेगी एनी आएगा दान आएगा एनी आएगा और नाउन भी सिंगलर रहेगा बस आप अदर का यूज नहीं करेंगे जब कैटेगरीज डिफरेंट हो जाती हैं तो ठीक है ओके पाकिस्तान इज नॉट ए सिटी ओके okay. देखो सेंटेंस क्या हुआ दिल्ली इज फार बेटर एनी मेट्रोपॉलिटन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान हम को सिटी मान ही नहीं रहे हम पाकिस्तान की मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहे हैं मेरे मेरे भाई इसको समझो, मेरे भाई इसको इसको समझो पढ़ो तब तो समझ में आएगा है ना चलो ये चीज आई सपोज आपको क्लियर हो गई है अब बिल्कुल अच्छे तरीके से थी इस कंडीशन में आपको करना क्या था ठीक है आई होप दिस इज नाउ वेरी क्लियर टू यू इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ अगर आपका इससे रिलेटेड कोई एरर या कोई कंडीशन आपको नहीं समझ में आई तो जल्दी से पूछ सकते हो बाय द टाइम आई रब द बोर्ड एंड गेट अनदर क्वेश्चन फॉर यू नॉट क्वेश्चन बाय द टाइम आई गेट अनदर रूल फॉर यू आप जल्दी से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दी से क्विकली रिमूव अदर अदर हटा दिया हमने हटा दिया अदर को बेटर दैन द मेट्रोपोलिटिन ओके मेट्रो बेटर देन एनी मेट्रोपोलिटिन होगा अदर का भी यूज बस हटाओगे और कुछ नहीं ओके 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 आई सपोज अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है ठीक है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रूल की तरफ हमने बताया आपको ठीक है क्लियर 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 ठीक है सबको क्लियर हो गया है Let's have another rule here. चलो देखते हैं एक और रूल हम यहाँ पर किस तरह से और क्वेश्चन को आप एडजेक्टिव के रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो राइट अब देखो कुछ नाउ जैसे होते हैं जहां पर आप यूज करते हैं किसका एब्जेक्टिव uh, का ठीक है और कुछ कंपेरेटिव जैसे होते हैं कंपेरेटिव के साथ आप लगाते हो क्या दैन बट बट कुछ कंपेरेटिव ऐसे होते हैं जो दैन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं कंपेरेटिव That follow to instead of than are कौन से कंपेरेटिव होते जल्दी से बताओ जल्दी से आप सबको पता है ये बात ओके आप सबको पता है ये बात कि कुछ कंपेरेटिव डिग्रीज ऐसे होती है जो टू लगाती हैं दैन को यूज नहीं करती है तो जल्दी से बताओ कौन कौन सी डिग्रीज ऐसी होती हैं व्हाट डिग्रीज डू वी हैव जल्दी से क्विकली क्विकली बताइए टू का यूज करते हैं कौन सी डिग्रीज होती हैं ओके ओके सुपीरियर इनफीरियर ओके सीनियर मेजर माइनर ओके दैट्स करेक्ट देखो सीनियर होता है सीनियर का ऑपोजिट क्या होता है जूनियर फिर uh, क्या बताया आप लोगों ने ओके ओके सुपीरियर होता है वेरी गुड सुपीरियर होता है सुपीरियर का ऑपोजिट होता है इंफीरियर वॉट एल्स और क्या है सुपीरियर इंफीरियर जूनियर बस प्रेफर प्रेफर भी होता है वेरी गुड प्रेफर भी होता है एंड इफ वी हैव समवेयर अगर प्रेफरेबल भी लिखा हुआ है तो भी वो करेक्ट है प्रेफर प्रायर वेरी गुड प्रायर भी लगाते हैं वॉट एल्स अब अच्छा ये बताओ हम बोलते हैं मेरे बड़ा है. से बड़ा है ये मेरे से बड़ा है ये मेरे से छोटा है तो क्या यूज करते हो एक वर्ड यूज करते हो एल्डर ये में से बड़ा है है ना तो एल्डर यूज करते हो एल्डर के साथ भी टू लगता है एल्डर का ऑपोजिट क्या होता है यंगर इसके साथ भी टू लगता है ठीक और कहाँ लगाएंगे जल्दी बताओ पोस्टेरियर वेरी गुड हम पोस्टेरियर वर्ड और एंटेरियर के साथ भी क्या लगाते हैं टू का यूज करते हैं अच्छा अब इसकी मीनिंग क्या होती है पोस्टेरियर और एंटेरियर आपको पता है इसकी मीनिंग बस मुझे थोड़ा सा बताना है क्या पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में और ए एन टी ई एंटी का मतलब क्या होता है पहले तो पोस्टेरियर का मतलब होता है हर वो चीज जो मेरे पीछे है और एंटेरियर मतलब हर वो चीज़ जो आपके आगे है फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स आर एंटेरियर टू मी बिफोर मी मुझसे पहले बैठे हैं और अगर हम बोले द बोर्ड इज पोस्टेरियर टू मी मतलब बोर्ड जो है वो कहाँ है मेरे से पीछे है सो दिस इज वॉट यू मीन बाय बाईरियर एंड पोस्टेरियर ठीक है अब हमने बोला हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल दैन वेल्थ नाउ टेल मी व्हाट करेक्शन डू वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या करेक्शन करने की जरूरत है हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल दैन वेल्थ जल्दी से बताओ बाद में और पहले नहीं बाद वाला और पहले वाला होता है एंटेरियर पोस्टेरियर में और पहले 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 नहीं ठीक है वाला और बाद वाला इज वॉट वी मीन बायरियर एंड पोस्टेरियर नाउन लेल जल्दी से बताओ ओके लवर नहीं भैया लवर नहीं होगा लवर तो नाउन होता है कंपेरेटिव थोड़ी है इंटीरियर एक्सटीरियर भी नहीं होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर नाउन होता है अगर हम बोलते हैं द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस इज रियली प्रिटी तो इसका मतलब हुआ इस घर के अंदर का जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा सुंदर है लेकिन इंटीरियर नाउन है एक्सटीरियर नाउन है एडजेक्टिव नहीं है यहाँ बताइए हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल वेल्थ टू वेल्थ टेल्थ वेरी गुड प्रेफरेबल के साथ दान नहीं लगेगा टू का यूज होगा लेकिन मेरे भाई बहनों आपने एक चीज छोड़ दी जो कि यहाँ पर एक और एरर है सेंटेंस में वो बताओ क्या एरर है प्रेफरेबल टूवेल्थ आएगा मतलब अगर हम एक चीज बता दे रहे एक कंडीशन तो उसी से रिलेटेड एरर ढूंढोगे सेंटेंस में और कोई एरर नहीं हो सकती एक और एरर है क्या एरर है बताओ जल्दी से क्विकली दान की जगह टू लगेगा करेक्ट है बट एक और एरर है वो क्या है जल्दी से बताओ, ओके, मोर मोर वेरी गुड वेरी गुड एक बात बताओ हमने क्या कहा था कि कुछ कंपेरेटिव ऐसे होते हैं है ना कुछ कंपेरेटिव ऐसे होते हैं जिनके साथ दान नहीं लगता टू लगता है तो एक बात बताओ जब प्रेफरेबल खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है तो क्या उसके साथ मोर लगाने की जरूरत है नहीं है प्रेफरेबल का मतलब क्या होता है व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स एंड गिव प्रायोरिटी टू वन जब आप दो चीजों को कंपेयर करें और दोनों को कंपेयर करने के बाद एक को प्रायोरिटी देते हैं तो आप प्रेफरेबल का यूज करते हो राइट सो प्रेफरेबल खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है वहां पर मोर का यूज नहीं होगा एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ ठीक है हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ इज वॉट वी नीड टू नो हियर ठीक चलो ये हो गया आपका एडजेक्टिव का नाइन्थ रूल अब बढ़ते हैं हम टेंथ की तरफ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्यों आई टेल यू वॉट इज इट ऑल अबाउट इट्स डिग्री ऑफ कंपेरिजन ठीक है लिख दिया, degree of comparison, तो 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 आपको करना है तो सबसे कम कितने लोग चाहिए आपको दो लोग तो चाहिए कम से कम राइट right? कम कम से कम चाहिए तो we'll take two subject, subject one and subject two. है ना we'll take subject one and subject two. अब जबी भी दो चीजों के बीच में comparison होगा किसी भी दो चीज के बीच में कंपैरिजन होगा वन थिंग इज फॉर डेफिनेट एक चीज जो हमेशा क्या है डेफिनेट है कि जब भी कंपैरिजन होगा ये किसी ना किसी बेसिस पे होगा है ना किसी ना किसी बेसिस पे कंपैरिजन होगा अब जिस बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है जिस बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है उस बेसिस को अवॉइड रिपीटिंग मतलब आप उस बेसिस को रिपीट करना अवॉइड करेंगे रिपीट करना अवॉइड करेंगे मतलब अगर आपने इसको फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ लगा दिया तो इसको सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ लगाना अवॉइड करना ठीक है अवॉइड करना है इसके साथ आप लगा लगा चुके हो तो दूसरे वाले के साथ मत लगाओ ठीक अवॉइड करना है अगर अवॉइड करेंगे तो क्या करना है अगर अवॉइड होता है तो क्या करेंगे या तो आप दैट ऑफ का यूज करेंगे या फिर आप दोज ऑफ का यूज करेंगे ठीक है दैट ऑफ का यूज करेंगे या दोज ऑफ का यूज करेंगे आई से आपको दैट ऑफ का यूज करना है तो आपका जो बेसिस है ये होना चाहिए क्या सिंगुलर अगर आपका बेसिस प्लुरल है तो आप यूज करेंगे क्या दोज ऑफ Got it. When we have a singular basis, we use that of, and when we have a plural basis, we use those of. Not by not writing the basis again with what? With subject two. Subject two k. satam duvara se basis nahi lichen. Now let me give you certain sentences and tell me what is the error there. Amnebola, I the students of Ada two four seven are better. एनी अदर चैनल्स बताओ हमने लिखा था स्टूडेंट वर्डर टू फोर सेवन आर बेटर देन एनी अदर चैनल्स तो इज दिस सेंटेंस करेक्ट क्या यह सेंटेंस करेक्ट है या फिर उसमें क्या एर होना चाहिए देखो हमें क्या ढूंढना है सबसे पहली चीज अभी आपने थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा था क्या कि जब हम कंपेटेटिव डिग्री यूज करते हैं तो चैनल्स नहीं लगाएंगे चैनल लगाएंगे एक एरर यह निकल गई चैनल channel लगाएंगे चैनल्स नहीं लगाएंगे ठीक है अच्छा ठीक है समझ में आ गया कि जब हम सांपेटेटिव uh, डिग्री का यूज करें तो उसके बाद वाला नाउन क्या होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा चैनल होगा एक चीज दूसरा अब ये आइडेंटिफाई करो विच इज सब्जेक्ट वन एंड विच इज सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट वन क्या हो गया अडर टू फोर सेवन और बाकी सब्जेक्ट टू क्या हो गया एनी अदर चैनल ठीक है एनी अदर चैनल दो सब्जेक्ट हो गए अब आप अड्डा टू फोर सेवन को बाकी सारे चैनल से कंपेयर कर रहे हो नहीं आप 247 के बेसिस क्या है किस चीज के बीच बेस पे कंपैरिजन हो रहा है स्टूडेंट्स को आप अड्डा टू फोर सेवन के स्टूडेंट्स को बाकी सारे चैनल्स के स्टूडेंट से कंपेयर करना चाहते थे बट यहां पर स्टेटमेंट लगा क्या है द स्टूडेंट्स ऑफ अडर टू फोर सेवन बेटर चैनल मतलब स्टूडेंट का कंपैरिजन चैनल से हो रहा है ये गलती हो गई क्या करना था अब यहां पर दोबारा स्टूडेंट्स लिखने से बजाय हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स ऑफ आर बेटर दोज दोज ऑफ ऑफ क्यों लगाया क्योंकि हमारा बेसिस क्या था प्लूरल था इसलिए दोज ऑफ का यूज किया एंड करेक्ट सेंटेंस विल बी द स्टूडेंट्स ऑफ कियावन आर बेटर दैन अदर चैनल कॉट इट अभी तक क्लियर हो चुका होगा ठीक है एक और स्टेटमेंट है द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर दैन डेली द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर दैन डेली एक और सेंटेंस आपके सामने आ गया अब बताओ इसमें क्या एरर है पहला वाला मैंने आपको बता दिया अब इस वाले में आप बताओ द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर दैन डेली इसमें क्या एरर होगा जल्दी से क्विकली बताएं क्विकली बहुत जल्दी द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर दैन डेली डोज ऑफ डाट ऑफ नहीं लगेगा बाबा डाट ऑफ आप क्यों लगा रहे थे यहाँ पर डाट ऑफ क्या था सिंगुलर था ना और यहाँ पर हमने यूज क्या किया है स्टूडेंट किया है तो स्टूडेंट किया है तो डोज ऑफ लगाओगे बेसिस अगर प्लूरल है तो डोज ऑफ सिंगर है तो डाट ऑफ अब यहाँ पर बताओ क्या होगा जल्दी से द्लाइमेट ऑफ वालाबाद इज बेटर ओके 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 देखो यहाँ पर कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है लेट मी टेल यू हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं द फर्स्ट सब्जेक्ट इज एंड द सेकंड सब्जेक्ट इज दिल्ली हमारा पहला सब्जेक्ट अलाहाबाद है दूसरा सब्जेक्ट दिल्ली है कंपैरिजन किसके बेसिस पे हो रहा है द कंपैरिजन इज क्लाइमेट क्लाइमेट के बेसिस पे हो रहा है एंड वी के नॉट रिपीट इट विद बट हियर द विजन इज इन करेक्ट यहाँ पर कंपेरिजन ही गलत है क्यों गलत है जब हमने बोला था क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद अलाहाबाद का क्लाइमेट दिल्ली से बेहतर है हमें यह थोड़ी बताना है अलाहाबाद का क्लाइमेट दिल्ली से बेहतर है यहां पर क्लाइमेट का कंपैरिजन सिटी से हो गया है जबकि हमको करना क्या था क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से करना था तो व्हाट वी नीड टू डू इज द क्लाइमेट ऑफ इलाहाबाद इज बेटर दैन दैट ऑफ डेली अब यहाँ दैट ऑफ क्यों लगा है क्योंकि हमारा क्लाइमेट सिंगुलर है हमारा बेसिस सिंगुलर है देर फॉर वी नीड टू राइट वॉट वी नीड टू राइट द क्लाइमेट ऑफ अलाहाबाद इज बेटर दैन दैट ऑफ डेली सो आई सपोज दिस इज क्लियर क्विकली जस्ट एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं क्या इसमें हमने किया है डिग्री ऑफ कंपेरिजन वेन एवर इट इज देयर वी हैव टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू वेन एवर वी हैव अ बेसिस वी कंपेयर इट लाइक If the basis is given, it should not be avoided. If you have a basis, it can either write that off. If you are avoiding it, we can either write that off or those off. That off is used when we have a singular basis. Those off is used when we have a plural basis. Similarly, in this sentence, we are comparing students of for 247 with the students of channel, other channels. So, what we need to do is students' basis is plural, so we need to write those off. And similarly, in this sentence, what do we have? In this sentence, we have uh, the climate that is climate is singular, and we are comparing the climate of one city to, to the climate of the other city, right? Or uh, climate Allahabad ka hai, or climate Delhi ka hai. So we need to compare the climates. But here in this sentence, we were uh, we were comparing climate and city. But the comparison should have been with the climate and the climates. So therefore, we need to write. We can't write the basis again. We cannot write the climate of Delhi again. So in that case, we will write what that of, and this will make the sentence. करेक्ट ठीक है चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट रूल थे वो मैंने आपको बता दिए ठीक है अब हम चलते हैं किसकी तरफ वर्ब की तरफ ठीक है अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ एंड दिस विल बी आर इलेवेंथ रूल इलेवेंथ रूल आ गया अब वर्ब की तरफ देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब का होता है दैट इज वन एंड ओनली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह है ना वर्ब का तो आई गिव यू टू सेंटेंसेस बताओ ब्रेड एंड बटर के साथ क्या लगता है सिंगलर वर्ब लगता है या प्लूरल जल्दी से बताओके डेली क्लाइमेट कर सकते हैं नहीं अरविंद आप डेली क्लाइमेट नहीं लिख सकते दैट्स इन करेक्ट ये यूज ही नहीं हो सकता ये ग्रामर ही गलत है ये भाई ये हो ही नहीं सकता आई एम सो सॉरी फॉर दिस चलो बताओ यहां पर क्या होगा जल्दी से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा ब्रेड एंड बटर इज देयर ब्रेड एंड बटर के साथ आप सिंगुलर यूज करोगे या प्लूरल दिस इज वन कंडीशन दैट सेज व्हेन वी हैव वन सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन एंड दिस इज ज्वाइन बाय एंड विद द अदर सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट्स हैं दो सब्जेक्ट्स को एंड ने ज्वाइन किया है वॉट कैन वर्ब विल बी यूज हियर कौन सा वर्ब यहाँ यूज करोगे सिंगुलर 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 कौन कह के मर गया कि ब्रेड एंड बटर के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्या ने ऐसा लिख के कहीं चले गए हैं कोई ऐसा कुछ नहीं है वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वैसे जनरली क्या होता है कि जब सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होते हैं तो वर्ब हम क्या लगाते हैं प्लूरल लगाते हैं है ना फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमने लिखा राम एंड सीता डैश गुड फ्रेंड्स तो यहां पर दो सब्जेक्ट है एक है राम एक है सीता जॉइन है एंड से तो क्या लगाओगे आर गुड फ्रेंड्स लेकिन आपने कहा क्या कि अगर हमने ब्रेड लगा दिया ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल इन द स्टोर कैसे लगाओगे इसमें सिंगुलर बताओ हाउ कैन यू प्लेस ये इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं कैसे लगा सकते हैं यहां पे इज ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल इन दताओ जल्दी से बताओ यहां पर क्या होगा ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल इन द स्टोर जो कंडीशन आप बोल रहे हो ऐसा नहीं कि वो कंडीशन गलत है दैट्स करेक्ट एंड हाउ विल वी मेक दैट करेक्ट देंटेंस विल बी ब्रेड एंड बटर अगेन डैश नॉट इजिली अर्नड क्या तुमको ब्रेड और बटर एक साथ चिपका हुआ मिलता है लो बंद और पाओ मिल रहा है खा लो ऐसे नहीं होगा यहाँ पर जब स्टोर में मिलेगा तो स्टोर में क्या होगा ब्रेड और बटर अलग अलग रखा जाएगा राइट अलग अलग रखा जाएगा स्टोर में अवेलेबिलिटी की बात है तो ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल इन द स्टोर होगा बट वेन यू टेक इट एज अ फ्रेज ब्रेड एंड बटर डैश नॉट इजली अर्न ब्रेड और बटर क्या नहीं होता आसानी से कमाया नहीं जाता है तो यहां पर देखो ब्रेड और बटर का मतलब बंद और पाओ नहीं कमाने जाओगे सॉरी पाओ और मक्खन नहीं कमाने जाओगे यहाँ पर जिसकी बात हो रही है किससे रिलेटेड रोटी से रिलेटेड डेली नेसेसिटी से रिलेटेड ठीक है सो ब्रेड एंड बटर टूगेदर इज अ फ्रेज विच मीन्स रोजी रोटी एंड हर वी विल प्लेस इज नॉट इजिली

तब आप क्या यूज करोगे सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे इसमें प्लूरल होगा स्टोर वाले में दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट स्टोर में अलग अलग प्रोडक्ट की बात हो रही है तो और लगाएंगे एंड जब इसको आप एक फ्रेज की तरह यूज करोगे तब आप इज का यूज करोगे ठीक है का दिस तो कभी भी बस इतना देख के मत बता देना कि इज लगेगा कि यार ब्रेड और बटर से नहीं डिफाइन करता ब्रेड और बटर के आगे क्या लिखा हुआ है ये डिफाइन करता है व्हाट एक्चुअली शुड बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस ठीक है ओके okay. सो so, एक चीज और मैं आपको बता दू ऑक्सफोर्ड कॉमा के बारे में जानता है क्या कोई एनी बडी हु नोज अबाउट ऑक्सफोर्ड कॉमा एक ये छोटा सा ज्ञान ऑफ द डे देना चाहते हैं आई यू वेयर ऑफ ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या आपको पता है ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या होता है नहीं पता है तो मैं बताऊंगी जल्दी बताओ पहले तुमको पता है कि नहीं क्विकली कैसे बताएंगे आप सट से जल्दी से बताइए क्या होगा जल्दी से बताओ ऑक्सफोर्ड कॉमा के बारे में किसी को मालूम है एनीबडी हु इज अवेयर ऑफ दिस वर्ड ऑक्सफोर्ड कॉमा देखा सबने होगा सबने मतलब एक्चुअली अलॉट ऑफ पीपल मास्ट सीन दिस दाल बाटी चूरमा ऑक्सफोर्ड कॉमा नहीं ऐसा नहीं होगा ऑक्सफोर्ड कॉमा नो 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 वट इज दिस व्हाट दैट नो नो देखो सबने देखा है सबने देखा है देखो कभी तुमने एंड के पहले कॉमा लगते हुए देखा है देखा है बताओ एंड के पहले कॉमा लगते हुए देखा है अगर देखा है तो इसी को हम ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं इसी को हम ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं कॉमा विच इज यूज बिफोर एंड एक ऐसा कॉमा जो एंड से पहले यूज किया जाता है अच्छा ये होता क्यू आल टेल यू इफ आई से आई हैड वॉट आई हैड जूस नहीं जूस बाद में लिखते हैं I had eggs, juice, and toast in my breakfast. ठीक है, in my breakfast. एक हमने statement लिख दिया, ठीक है? I had eggs, juice, and toast in my breakfast. और उसके बाद हमने statement लिखा, uh, we have Rithik and what else? Anusha. एंड अनुषा को जानते हो आई डोट नो तुम लोग जानते हो कि नहीं अनुष्का लिख देते हैं इसको तो जानते हैं सब विराट कोहली की हो गई है जो आप यूज कर रहे हो लेटमी टेल यू क्या होता है जब आप लिखते हैं आई है क्यों इसका मतलब क्या है, है? एग्स का मतलब आपने एग्स तो अलग खा लिए ठीक है आपने एक अलग खा लिए जूस को जूस एंड टोस्ट इसका मतलब क्या हुआ कि जूस जो था उसमें आपने टोस्ट को मिला के खा लिया यहां पर जूस और टोस्ट अलग अलग नहीं आ रहा है अब जूस एंड टोस्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि आपने जूस और टोस्ट को मिला के खा लिया बट वी वीवन डन दैट राइट हमने क्या किया जूस अलग पिया है और हमारे पास टोस्ट अलग था तो अगर आपको तीन अलग अलग, अलग चीजें डिफाइन करनी है तो वी नीड टू राइट अ कॉमा बिफोर एंड एंड देयरफॉर इस सेंटेंस में भी वी हैव ऋतिक ऋतिक एक आदमी हो गया दिस इज ऋतिक ठीक है अनुष्का अनुष्का के बाल बना देते हैं थोड़े से ठीक है दिस इज अनुष्का और अनुष्का एंड शाहरुख जो तुमने लिख दिया इसका मतलब क्या हुआ कि अनुष्का और शाहरुख मिल गए मिल कैसे गए अनुष्का और शाहरुख नहीं विराट लिख देते हैं तो ज्यादा ढंग का बने गए है ना अनुष्का एंड विराट एक साथ अब अनुष्का और विराट अलग अलग इंसान नहीं हुए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अनुष्का और विराट एक ही हो गए ठीक है ठीक है तो ये अनुष्का सर से अनुष्का हो गए ऐसा वाली कंडीशन हो जाएगी तो ये गलत है क्या होगा यहाँ पर आपको एंड के पहले कॉमा लगाना पड़ेगा एंड दिस इज वॉट वी नो एज ऑक्सफोर्ड कॉमा अब बनेगा अलग अलग अनुष्का एंड विराट अब बनेगा अलग अलग एग्स जूस एंड टोस्ट

Try and place Oxford comma wherever it is necessary. Thank you for watching at the 247 and keep watching. Aapke liye der ek Don't miss watching that and keep watching at the 247. Bye-bye. Hello, friends, and a very good morning to all of you. Now, here we are on the third part of 20 must rules of grammar. So, we have already discussed two parts, discuss, uh, discuss kar chuke and in those parts, we have discussed 11 rules. Right? We discussed 11 rule in part, which we first or second part. Mein dekha tha. But now, we are here on another part, and this is again that takes you to 20 must know rules of grammar. So it, अगर हम जल्दी से रिवाइज करते हैं तो ट्वेंटी मास्टर रूल्स ऑफ़ ग्रामर में आपने क्या पढ़ा था यू रेड अबाउट पर्सन राइट कितने होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपने ये देखा नाउन में कलेक्टिव नाउन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है इज इट सिंगुलर और इज इट फ्लूरल दोनों होते हैं लेकिन कौन सी कंडीशन में होता है वो आपने पढ़ा राइट right? उसके बाद आप सब्जेक्टिव केस कब लगाओगे ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे दिस वाज अनदर थिंग दैट नीड्स टू बी डिफाइंड राइट वो भी आपने पढ़ा एब्जेक्टिव में आपने ये चीज़ें देखी कि सिंगल पर्सन की जब दो क्वालिटीज कंपेयर होती है व्हाट यू नीड टू प्लेस देयर यू नीड टू प्लेस व्हाट मोर इंस्टेड ऑफ ई सिंगल पर्सन की दो क्वालिटीज अगर सुपर डिग्री में दी हुई है तो आप ई वाली पहले लगाते हैं देन यू प्लेस दी मोस्ट फॉर्म

लर्न अबाउट समथिंग जिसकी यूसेज कैसी थी जिसका यूसेज इसका इस तरह का भी था कि जहां पर आप सेंटेंस को आप इस तरह से लिख पा रहे थे कि सेंटेंस लिखा हुआ है सेंटेंस में कौन सा ऐसा कंपेरेटिव है जहां पर दान का यूज नहीं होना चाहिए कौन सा ऐसा कंपेरेटिव है जहां पर टू का यूज होना चाहिए राइट तो इस चीज को भी आपने पढ़ा और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी ऑक्सफोर्ड कॉमा राइट इसके बारे में पता सबको था लेकिन कब कहां पर किस तरह से यूज होगा उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी तो वो भी आई सपोज लास्ट पार्ट में आपको क्लियर हो गई थी लेट्स बिगिन दिस एंड ट्वेंटी रूल में से हम आज आ गए हैं ट्वेल्थ रूल पे ठीक है <laughs> तो अब हमें देखना है कि बारवा रूल ये आपको अगर याद हो वी वर डिस्कसिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट राइट अगर आपको याद हो तो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को डिस्कस कर रहे थे और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने सबसे पहले एक चीज़ अग्री करी थी क्या uh, मेरा बर्थडे अब नहीं मेरा बर्थडे बीत चुका है एनी वे थैंक यू एवरीबडी फॉर दैट बस इतना है अब हम वापस आ जाते हैं पढ़ाई पे ठीक है बर्थडे चला गया भाड़ बन जाए चलो देखो uh, अब देखते हैं ट्वेंटी मास रूल्स ऑफ ग्रामर ट्वेल्थ पार्ट पे हम आ गए हैं ट्वेल्थ में क्या लिखना है इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड एक और रूल पढ़ा था जहां पर नाउन और नाउन मतलब दो सब्जेक्ट्स अगर एंड से ज्वाइन होते हैं तो वैसे तो उसमें प्लूरल लगता है लेकिन अगर यही दो नाउन दो सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइन होकर एक फ्रेज का काम करेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं ठीक है थीके? ये कंडीशन आपको क्लियर है अब इसके साथ दूसरा है अवॉइड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी प्रोक्सिमिटी की एरर जो हमसे हो जाती है इस एरर को हमें अवॉइड करना होता है अब जल्दी से आप क्विकली बता दीजिए कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है क्विकली जल्दी से <coughs> जल्दी से बताइए कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है जल्दी से ओके okay. ओके okay. देखो मेरा बर्थडे जा चुका है थैंक्स लॉट एवरीबडी थैंक यू अब इधर आ जाते हैं हम ये बताइए प्रॉक्सिमिटी वर्ड का मीनिंग क्या है <coughs> चलो बताओ ओके नियरली आसपास वेरी गुड नियरनेस वेरी गुड जिसको जिसको पता है नजदीक वेरी गुड देखो प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है प्रॉक्सिमिटी का मतलब आप लोग बिल्कुल सही डिफाइन कर रहे हैं दैट से इसका मतलब होता है पास का कई बार सेंटेंस में क्या होता है हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो, जो जस्ट बगल में लगा हुआ है जो नाउन हमारा जस्ट बगल में लगा हुआ है वर्ब के वो कैसा है वो सिंगुलर है तो हमने वर्ब सिंगुलर लगा लगा दिया दिया वो प्लूरल प्लूरल है तो हमने वर्ब बट एक्चुअल में हम उसकी बात कर ही नहीं रहे होते फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टेटमेंट दी छोटा सा बोला आपको द कॉस्ट ऑफ दीज कार्स आर राइजिंग अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्यों

सिमिलरली अगर हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें आप बताइए क्या है द अपियरेंस ऑफ हिज क्लोज वर वेरी बैड द अप्योरेंस ऑफ हिज क्लोज वर वेरी बैड इसमें बताओ क्या एरर है is, is, is absolutely करेक्ट अब इसमें बताइए द appearance ऑफ his clothes वर वेरी बैड Are वी टॉकिंग अबाउट clothes here? क्या हम क्लोज की बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन आ जाता है क्या हम क्लोज की बात कर रहे हैं नहीं अगर हम कह रहे हैं कि वेरी बैड तो क्या खराब था कपड़े या कपड़े जैसे दिख रहे थे वो खराब था इज 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 ओके मैम प्रॉक्सिमिटी आई डोंट नो स्कैरी गर्ल आई मी टेल यू प्रॉक्सिमिटी का मतलब मैम होता है नियरनेस पास वाला सब्जेक्ट को देख के uh, वर्ब का यूज करना अवॉइड करना है आपको पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाना है आपको यह देखना है कि एक्चुअल में बात किसकी हो रही है सिमिलरली इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोज यू आर टॉकिंग अबाउट द अपियरेंस अपियरेंस की बात कर रहे हो तो अपियरेंस क्या है सिंगुलर है अगर अपियरेंस सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था इंस्टेड वर्ड वी विल राइट वॉज इन द करेक्ट सेंटेंस विल बी वॉट द अपियरेंस ऑफ हिस क्लोज वॉज वेरी बैड समझ में आ गया

स्टैगरिंग कॉस्ट आप बताइए इसमें क्या एर है द लार्ज साइज ऑफ दीज रेजिडेंशियल यूनिट अकाउंट फॉर द स्टैगरिंग कॉस्ट क्विकली बताओ इसमें क्या एर है वॉज चला गया अब यहां पर बताते हैं द लार्ज साइज ऑफ दीज रेजिडेंशियल यूनिट अकाउंट फॉर द स्टैगरिंग कॉस्ट क्विकली बताओ क्विकली वॉट इज द एर इन दिस लास्ट सेंटेंस ओके गेटिंग ओके यूनिट होगा ओके okay. uh, अभितेज सौरभ अगर आप इज वेरी बैड लिखोगे तो सर वो सेंटेंस का टेंस को चेंज कर देगा वो था और आप है बता रहे हो इज और वर्ज में टेंसेस चेंज हो जाएंगे तो वो चेंज नहीं करते हम ओके अकाउंट्स अकाउंट्स वॉज देखो सी व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट एक चीज समझ लो द लार्ज साइज ऑफ दीज रेजिडेंशियल यूनिट्स अकाउंट फॉर द स्टैगरिंग कॉस्ट एक चीज आई स्टैगरिंग कॉस्ट किसकी है मतलब फ्लक्चुएट कर रही है कॉस्ट किसकी फ्लक्चुएट कर रही है रेजिडेंशियल यूनिट्स की राइट right? और किस वजह से कर रही है किस वजह से कर रही है रिस्पॉन्सिबिल कौन है इस चीज के लिए उसका लार्ज साइज तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज साइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैगरिंग कॉस्ट उनके फ्लक्चुएट करते हुए कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है लार्ज साइज की है उसके रेजिडेंशियल यूनिट्स की नहीं है लार्ज साइज की है फॉर दिस रीजन वी नीड टू राइट वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म दैट इज अकाउंट एंड नॉट अकाउंट समझो इस चीज को वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियलिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ लार्ज साइज और इस वजह से हम क्या करें इस वजह से हम अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं एंड नॉट अकाउंट आई होप दिस इज क्लियर अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है इस वाले रूल में तो क्विकली टेल मी अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड बताओ इस रूल में कोई डाउट है एनी डाउट दैट यू हैव इन दिस रूल अकाउंट होगा दैट्स करेक्ट इट्स होगा नहीं 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 इट्स नहीं।, नहीं लगाओगे स्टैगरिंग कॉस्ट तो यूनिट्स की है ना लार्ज साइज की थोड़ी है स्टैगरिंग कॉस्ट कॉस्ट किसकी है कॉस्ट तो रेजिडेंशियल यूनिट्स की है तो वो कॉस्ट प्लूरल रहेगी क्यों क्योंकि कॉस्ट किसके लिए यूज हुए यूनिट्स के लिए यूनिट्स प्लूरल है तो कॉस्ट भी प्लूरल होगी तो उसके साथ इट्स नहीं लगाओगे देयर का ही यूज करोगे ठीक है अकाउंट नहीं समझ में आया सर अकाउंट एक नाउन भी, भी है और अकाउंट एक वर्ब भी है अकाउंट पर जो यूज हुआ था वो एक वर्ब के अकॉर्डिंग यूज हुआ था इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हुआ हो लेकिन अकाउंट का मतलब होता है एज अ वर्ब अकाउंट का मतलब होता है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अगर सपोज करो आपके पास एक सेंटेंस है इन दैट सेंटेंस यू हैव वन मेन वर्ब यू हैव वन मेन वर्ब एंड टू ऑक्सिलरीज आपके पास दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और एक मेन वर्ब है तो अब ये बताइए इस मेन वर्ब को फर्स्ट के साथ यूज करेंगे या सेकेंड के साथ दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू जल्दी से बताओ एक मेन वर्ब है मेन वर्ब सिर्फ एक है नाउ दिस विल बी यूज द फर्स्ट ऑक्सिलरी और दी सेकेंड ऑक्सिलरी आई होप आपको ऑक्सिलरी का मतलब पता है ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स दैट इज इज एम आर वाज वर हैव हैज हैड डू uh, डिड do, ये सब क्या है आपके ऑक्सिलरीज है ठीक है सो so, हम कह रहे हैं हमारे पास एक ही मेन वर्ब है लेकिन ऑक्सिलरी दो है सो वे डू वी यूज दिस मेन वर्ब विथ विच ऑक्सिलरी हम पहले वाले या सेकेंड वाले के ऑक्सिलरी के साथ यूज करेंगे जल्दी से फर्स्ट के साथ ओके okay. श्रद्धा ने बोला है फर्स्ट के साथ यूज करेंगे बोथ के साथ ओके okay. ओके okay. दोनों के साथ फर्स्ट के साथ सेकेंड के साथ ओके चलो लेट मी टेल यू लेट मी गिव यू अटेंस फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ठीक है व्हाट एम आई सेइंग इज ही हैज नेवर एंड विल नेवर डिसरिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स ठीक है तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है ही हैज नेवर एंड विल नेवर डिसरिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स ना उसने आज तक और ना कभी अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करेगा मतलब कहना क्या चाहते हो आपके पास मेन वर्ब क्या है उसने किया नहीं क्या नहीं किया है डिसरिस्पेक्ट नहीं किया डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है और आपके पास दो ऑक्सिलरीज क्या है एक है हैज और दूसरा है विल तो आपने विल के साथ तो इस मेन वर्ब को लगा दिया विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है करेक्ट है लेकिन हैज के साथ आपने इस मेन वर्ब को यूज नहीं किया है और यहां पर भी लगना चाहिए क्या डिसरिस्पेक्टेड यहां डिसरिस्पेक्टेड क्यों होगा क्योंकि हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही हैज नेवर डिसरिस्पेक्टेड एंड विल नेवर डिसरिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स अब इस सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हुई क्या कि ना उसने आज तक कभी डिसरिस्पेक्ट किया था और ना कभी करेगा ठीक है दिस इज वॉट वी जो मेन वर्ब है ये दोनों के साथ ही यूज होगा तो जिसने जिसने दोनों किया, जिसने जिसने दोनों दोनों आंसर आंसर किया, बोथ बताया है, उनका है। उनका करेक्ट के साथ ही use करेंगे, ठीक है? इसी के साथ हमारा एक और रूल एसोसिएटेड है और एक और रूल एसोसिएटेड कैसे है देखिए, जो हमने मेन वर्ब की बात करी अब यहाँ पर एक मेन वर्ब था और दो ऑग्जिलरी थी सपोज करो इसी का उल्टा हो जाए क्या अगर हमारे पास सिर्फ एक ऑग्जिलरी हो और दो मेन वर्ब हो जाए तो क्या करेंगे इन दिस कंडीशन वॉट विल वी डू अगर हमारे पास एक ऑक्सिलरी है दो मेन वर्ब हो जाए अब एक चीज देखो जब हमारे पास एक मेन वर्ब था तो हमने क्या किया तो हमने दोनों ऑक्सिलरी के साथ उसको यूज किया सिमिलर इज द कंडीशन विद मेन वर्ब आल्सो यही कंडीशन हम मेन वर्ब के साथ भी फॉलो करेंगे क्या अगर हमारे पास दो मेन वर्ब है तो ये ऑक्सिलरी क्या होगी दोनों के साथ ही यूज करी जाएगी तो ये यह ऑक्सिलरी यहां भी यूज होगी और यहां भी यूज होगी लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पर जैसे हमने टेंस फॉलो कराया है वही टेंस यहां पर भी फॉलो होगा फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेटमेंट लिखा रमन वॉज द पद्मश्री वाइल हिज फ्रेंड्स फेल्ड टू मार्क द लिस्ट देखो रमन वॉज अबॉर्डेड द पद्मश्री वाइल हिज फ्रेंड्स फेल टू मार्क द लिस्ट मतलब क्या हुआ रमन को पद्मश्री से अवार्ड किया गया था लेकिन उसके फ्रेंड्स उस लिस्ट को मार्क नहीं कर पाए सेंटेंस क्या है अब यहां पर देखना है क्या क्या है है पहली बात रमन है, और दूसरा सब्जेक्ट फ्रेंड्स है राइट पहला रमन है दूसरा सब्जेक्ट फ्रेंड्स है अब रमन से रिलेटेड क्या है या इसमें हम वॉज अवॉर्डेड भी ना लगा के इस तरह से लिखते हैं सेंटेंस को रमन हैज बीन अवार्डेड ठीक है तो आपका पहला मेन क्या है Awarded. पहला मेन 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 क्या 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 है दूसरा क्या है दूसरा को क्या हुआ Faint. अब दो हैं, लेकिन ऑक्सिलरी सिर्फ एक के साथ लगी है जो कि कि है एक चीज और और बता दे कि बीन और sentence में दो बार यूज नहीं होते हैं बी, बीन एंड बीइंग सेंटेंस में दो बार यूज नहीं होते हैं सो इफ यू हैव यूज बीन विद रमन वी विल नॉट यूज इट विद फ्रेंड्स ठीक है हमने बीन को यूज कर लिया रमन के साथ और वो फ्रेंड्स के साथ नहीं लगेगा अब हमने हैज हाँ लगाया था किसके अकॉर्डिंग रमन बिकॉज रमन बॉस सिंगुलर तो इसी का फॉर्म लगेगा फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहां क्या लगाओगे का यूज करोगे एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी वॉट रमन हैज बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री वाइल इज फ्रेंड्स द लिस्ट ठीक है वर फेल्ड नो जल्दी से बताओ क्या होगा हैव बीन फेल्ड नहीं दिस इज वॉट आई टोल्ड यू Avnish, this is what I told you, sir. We will not use been two times in a single sentence. आप एक sentence में दो बार been और being शब्द का use नहीं करोगे If we have used been with Raman, we will not use it with friends. ठीक है हमने एक subject के साथ लगा दिया तो दूसरे के साथ नहीं करेंगे तो sentence क्या बनेगा Friends have failed. That's absolutely correct. ठीक है I suppose यहाँ तक आपको clear है and you don't have any doubts. अगर आपको अभी तक के दो रूल्स में कोई भी डाउट आया है तो यू कैन क्विकली आस्क मी जल्दी से आप पूछ सकते हो अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं आई होप कोई डाउट नहीं है आपको हाफ फेल्ड हाफ फेल्ड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हाफ फेल्ड जितने लोगों ने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है ओके एक्टिव वॉइस में बीन और बीइंग मैम नहीं यूज होता है बिल्कुल भी यूज नहीं होता है बीन और बीइंग का यूज ही हम पैसिव वॉइस में करते किसने मतलब काम, काम किया डूअर किस कि right? किस कौन था वो काम करने वाला वो तो नहीं पता ना सो वे डूअर इज मिसिंग वी यूज वॉइस ठीक है जहां पर डूअर मिसिंग होता है उसको हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं चलो चलो देखो आ, अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे एंड इट सेज अगेन इफ वी हैव टू सब्जेक्ट्स पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट आया था वो सब्जेक्ट था क्या सब दो सब्जेक्ट थे और दोनों सब्जेक्ट किससे ज्वाइन थे एंड से ज्वाइन थे राइट right? लेकिन अब जो कंडीशन आ रही है वो क्या डिफाइन करती है अगर सेंटेंस ज्वाइन है दो सब्जेक्ट ज्वाइन है विथ या टूगेदर विथ या अलोंग विथ या नो लेस दैन या फिर इन एडिशन टू अगर आपके दो सब्जेक्ट्स इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से किसी भी एक वर्ड से ज्वाइन होते हैं किसी भी एक कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं तो फिर हम वर्ब कैसा लगाएंगे जल्दी से बताइए अगर आपके पास दो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू एंड दीज टू आर ज्वाइन विद एनी ऑफ दीज वेट टूगेदर विद अलोंग विद नॉलेज एडिशन टू वट ऑफ वर्ब विल बी यूज हियर किस तरह का वर्ब यहां पर लगाया जाएगा ओके निखिल कुमार ट्वेल्थ रूल के पहले की वीडियो सर आपको इसी नाम से ट्वेंटी मस्ट नो ऑफ ग्रामर पार्ट वन एंड पार्ट टू के नाम से मिल जाएगी आप वो देख लेना ठीक है वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हर्षदा ने आंसर किया दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि हम यहां पर जो वर्ब लगाएंगे वो होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का यूज किया जाएगा और पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा है दिस इज आवर फर्स्ट सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे अगर दिस वर्ड दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वी विल यूज अ सिंगुलर वर्ब इफ दिस सब्जेक्ट इज प्लूरल वी विल यूज़ अ प्लूरल वर्ब आप सिंगुलर और प्लूरल पहले नहीं बता सकते अनलेस सेंटेंस इज देयर विथ यू ठीक है फॉर एग्जाम्पल चलो देखो ही नो और अदर नॉट ही आई नो लेस देन शी आर टू बी ब्लेम फॉर द लॉस बताओ आई नो लेस देन शी आर टू बी ब्लेम फॉर द लॉस इस सेंटेंस में क्या गलती है एज वे लाज में जैसा यूज करते हैं येस ऑफकोर्स यहां पर आप एज वेल आज भी एड कर सकते हो बिल्कुल एड कर सकते हो जल्दी से बताओ यहां क्या होगा आड इफ आई से बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान इज डेवलपिंग बताओ पहले वाले सेंटेंस में क्या एरर है? आई नो लेस दैन शी आर टू बी ब्लेम फॉर दिस देखो जितने लोग एम बोल रहे हैं तुम तो करेक्ट हो लेकिन जितने लोग इज बोल रहे हैं वो इनकरेक्ट है देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट कौन से आई और दूसरा सब्जेक्ट क्या है शी ज्वाइन किससे हुआ है लेस दान से नोलेज से राइट अब जब भी, भी ऐसी कंडीशन आती है तो पहला सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वह अब लगेगा पहला सब्जेक्ट क्या है आय है आय सिंगुलर होता है तो कुछ लोगों ने सोचा क्या इज लगाना चाहिए लेकिन आय के साथ इज लगता ही नहीं है क्या लगता है एम और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आई नो लेस देन शी एम टू बी ब्लेम फॉर द लॉस ठीक अब ये आता है लास्ट सेंटेंस बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान इज डेवलपिंग तो यहां क्या करोगे बताओ बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान इज डेवलपिंग बोथ के साथ आर लगेगा बोथ के साथ आर लगेगा और एज वेल एज भी लगेगा ये बताओ बोथ और एज वेल एज एक साथ यूज हो सकते हैं आर इंस्टेड ऑफ इज इन सेकेंड सेंटेंस नो आर डेवलपिंग आर डेवलपिंग कैसे 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 नहीं हो सकता बोथ और एज वेल एज एक साथ कैसे यूज हो सकते हैं बोथ और एज वेल एज दो अलग अलग चीजें हैं बोथ के साथ हम एंड का यूज करते हैं और एज वेल एज अलग कंजंक्शन है ये दोनों चीजें क्या डिफाइन करती हैं टू एक्सेप्ट बोथ मतलब दो चीजें जो दी गई हैं दोनों को हाँ बोलने के लिए हम एज वेल एज और बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं लेकिन अगर आप ये कहते हो कि बोथ और एज वेल एज एक साथ यूज हो सकता है तो बिल्कुल गलत है और अगर आप ये भी कह रहे हो कि हम इसकी जगह आर कर दें तो यह भी गलत है क्यों इसी को देख के तो बेस बनाना है कि बोथ लगाएंगे कि एज वेल एज लगाएंगे देखो अगर आप बोथ लगाते हो ठीक है अगर आप बोथ लगाते हो तो सेंटेंस कैसे बन सकता है लेट मी टेल यू दिस थिंग अगर आप बोथ लगाते हैं तो बोथ लगा के इंडिया एंड पाकिस्तान अब यहां पर होगा मतलब आपको जो करने पड़े वो दो जगह करने पड़े बोथ के साथ आपने एंड भी लगाया मतलब एज वेल एज को काटा एंड लगाया और इसके जगह पे आपको आर लगाना पड़ा तो आपके पास दो एरर्स आ गए इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या कर सकते थे आप सिर्फ बोथ को हटाते सिर्फ बोथ को हटाते तो पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाता इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान इज डेवलपिंग अब यहां पर आज वेल आज लगा हुआ है तो वर्ब किस अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग करेक्ट दैट टेक्स यू टू इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान इज डेवलपिंग एंड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग ठीक है तो इनमें से कोई भी एक वर्ड आया जो दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहा है तो पहला सब्जेक्ट जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे ठीक है बोध yes, uh, के साथ तो आर लगेगा बोध के साथ तो प्लूरल लगेगा लेकिन एज वेल एस के साथ सिंगुलर लगेगा ये कंपलसरी नहीं है आज ए के पहले जो सब्जेक्ट दिया रहेगा वो डिफाइन करेगा कि आपको कैसा वर्ब यूज करना है ठीक है तो इन सारे वर्ड्स के साथ जो भी आपका वर्ब पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करोगे कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा कोई भी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा जिसमें सिंगुलर लगा होगा या प्लूरल लगा होगा अगर मिलता है ऐसा किसी किताब में लिखा हुआ तो वो गलत है ठीक है क्योंकि पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले सेंटें अगले क्वेश्चन की तरफ और यहां पर कोई अब तक अभी तक आई सपोज कोई आपको डाउट्स नहीं होंगे राइट बोथ क्यों नहीं आएगा सर uh, सुधीर अगर हमें बोथ लगाना है तो बोथ के बाद वेल आस को हटाएंगे वेल आस well, को हटा के एंड लिखना पड़ेगा फिर आगे जाके आपको इस वाले वर्ब को चेंज करके आर करना पड़ेगा हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको सेंटेंस गलत हो जाएगा सेंटेंस सही होगा अगर आप बोथ के साथ एंड लगाते हो और एंड के बाद आर कर देते हो लेकिन दो चेंजेस करने से बेटर क्या है सिर्फ एक ही में सेंटेंस को सही कर दें और क्या कर दें बोथ को हटा दें बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा तो अगर आप लगाते हो तो वो भी करेक्ट है उसमें भी कोई एरर नहीं होगी ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसा आपने देखा अभी कि सब्जेक्ट अगर दो है और इनमें से ज्वाइन है तो क्या लगेगा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेकिन अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है वो नीदर इधर या नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके बाद नॉर और या बट ऑल्सो के बाद एक सब्जेक्ट दिया हुआ है ठीक है तो इस कंडीशन में आप वर्ब कैसा यूज करोगे आप बताओ वर्ब कैसा होगा बोध का मतलब दोनों होता है दैट्स करेक्ट ओके जल्दी से बताइए यहां क्या होगा नीदर इधर नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट है नॉर और बट ऑल्सो के बाद दूसरा सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे कैसा यूज करोगे सिंगल यूज करोगे या प्लूरल यूज करोगे ओके okay. निकिता एंड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज नहीं होती है बच्चे आप एक चीज समझो कि सबसे पहला रूल हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से पढ़ा था रिलेटेड उसमें हमने अगर एंड से दो चीजों को ज्वाइन करके अगर उसको फ्रेज की तरह ट्रीट करेंगे तब आप ये नहीं कह सकते कि वो प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं सिंगुलर तो नहीं लगेगा ना प्लूरल लगेगा लगेगा क्या उसी का उल्टा कर दो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट क्या लगेगा दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और दूसरा सब्जेक्ट कैसा है कौन सा है ये तो अगर वेट टूगेदर विथ अलोंग विथ एज वेल एज इन एडिशन टू या नो लेस दैन अगर ये दिया हुआ है तो इनके साथ पहला सब्जेक्ट और अगर नीदर इधर नॉट ओनली और नॉर बट ऑल्सो के साथ दिया हुआ है तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल हमने बोला नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो

ज्वाइन किससे है नॉट ओनली बट ऑल्सो से तो दूसरा सब्जेक्ट जो होगा दूसरा सब्जेक्ट कौन है टीचर्स है तो इस वजह से हम एज नहीं लगाएंगे क्या यूज करेंगे आर का यूज करेंगे और यार वी विल मेक दिस सेंटेंस करेक्ट और इसलिए हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट का यूज करना था और जो कि क्या है नॉट ओनली द प्रिपल बट ऑल्सो द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन ठीक है आर 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 दैट आप सल्यूटली करेक्ट जिसने जिसने आर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है और बहुत सारे लोगों ने आर बता दिया है एज आई कैन सी दैट ठीक है चलिए वी कम टू द फिफ्टींथ रूल हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है अब हम बढ़ते हैं सिक्सटींथ की तरफ और सिक्सटींथ रूल जो हमारा होगा दैट विल बी रिलेटेड टू एडवर्ब ठीक है ये ट्वेंटी नो रूल्स में एडवर्ब के से रिलेटेड अब सिक्सटींथ रूल आएगा देखिए एडवर्ब होता क्या है दिस इज वन वर्ड दैट डिफाइंस एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन हर पार्ट ऑफ स्पीच को जो क्वालिफाई कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं है? है जो वर्ब को एडवर्ब को और एडजेक्टिव को इन तीन चीजों को क्वालिफाई कर सकता है बट लेट मी टेल यू कीउन नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ठीक है सो इससे रिलेटेड हमें चीजें पढ़नी है कुछ रूल्स इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे तो चलिए एडवर्ब ऑफ सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बेसिक चीज क्या होती है वेन सॉरी मोर देन वन एडवर्ब इज गिवेन इन सेंटेंस जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब दिया हुआ है तो आप क्या करोगे तो क्या फॉलो करना होता है सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट उसके बाद हम लगाते हैं मैनर मतलब ये जो वर्ब हुआ ये कैसे हुआ फिर हम लगाते हैं प्लेस कहाँ हुआ और फिर हम लगाते हैं टाइम कैसे हुआ तो आखिर में फॉलो क्या करते हैं वी नीड टू फॉलो एम पी टी रूल हमें फॉलो करना होता है MPT रूल जब एक से ज्यादा एडवर्ब दिए हुए हैं तो ठीक है तो, तो MPT रूल में क्या लिखा हुआ है कि मैनर एम प्लेस पी और टाइम का टी ये आपको यूज करना है मैनर प्लेस टाइम इस तरह से जब सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब दिया हुआ है तो दैट्स साहब करेक्ट जिसने 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 एमपीटी रूल बोला देखो अब सेंटेंस लिखा हुआ है राहुल रेड रेड no, uh, नहीं लिखते पहले राहुल जेस्टले रेड एट होम अ बुक या फिर केयरफुली अ बुक केयरफुली अ बुक अब बताओ ये सेंटेंस पूरा ब्लंडर है ठीक है पूरा ब्लंडर है ये सेंटेंस अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस में कैसे सही हो सकता है राहुल बुक अब इस सेंटेंस में क्या क्या लिखा देखो राहुल है सब्जेक्ट है वर्ब क्या किया रेड किया ऑब्जेक्ट क्या है किताब को पढ़ा मैनर कैसे केयरफुली प्लेस कहां पर घर पे टाइम कब येस्टे तो अब आपको ये बताना है कैसी कंडीशन होगी ओके किसी कंडीशन में ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को भी क्वालिफा कर क्वालिफाई सकता है Adjective, adjective को क्वालीफाई नहीं करता adjective को एडवर्ब क्वालिफाई करता है एक एक साथ एक sentence में दो से तीन चार पांच ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं लेकिन वो सारे के सारे यूज एक नाउन के लिए या एक प्रोनाउन के लिए ही होंगे ठीक है तो देखो क्या होगा सबसे पहला हमारे सब्जेक्ट क्या है राहुल करेक्ट है ठीक है तो हमने लिख दिया क्या राहुल उसके बाद आना चाहिए वर्ब तो वर्ब क्या है रीड वर्ब क्या है रीड, क्या है? रीड है तो हमने वर्ब लिख दिया क्या पढ़ा उसने तो क्या पढ़ा था किताब बुक लिख दिया मैनर कैसे पढ़ा ध्यान से केयरफुली लिख दिया फिर उसके बाद प्लेस कहाँ पर एट होम और कब येस्ट तो ये सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से इनकरेक्ट होगा और इस तरह से करेक्ट होगा जहां पर आपने क्या लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैनर प्लेस एंड टाइम तो जब भी एक से ज्यादा एडवर्ब आते हैं तो आप फॉलो करेंगे एम पी टी रूल ठीक है आप क्या फॉलो करेंगे मैं... ठीक है राहुल रेडाबुक केयरफुल एट होम येस्टडे राहुल रेडाबुक केयरफुल एट होम येस्टडे सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है आई डोंट थिंक किसी का भी कोई एरर आ रहा है ठीक है सबसे पहले मैनर केयरफुली फिर उसके बाद प्लेस कहां पर एट होम फिर उसके बाद टाइम दैट इज येस्टडे ठीक है तो एक से ज्यादा अगर रूल दिया हुआ है एक से ज्यादा अगर एडवर्ब दिया हुआ है तो हमेशा एमपीटी रूल को ही फॉलो करोगे ठीक सेवेंटींथ रूल पे हम आते हैं दैट से लॉ ऑफ वर्जन ठीक है सेवनटींथ रूल पे हम आ गए हैं और यहां पर लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करना होता है ठीक है अब लॉ ऑफ इन्वर्जन होता क्या है सबसे पहली चीज ये सेंटेंस में जब भी आप किसी बेसिक स्ट्रक्चर को लिखते हो सेंटेंस में जब भी कोई बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो आप सभी को पता है वेन एवर वी राइट अ सेंटेंस वी नीड थ्री थी थिंग्स राइट हम किसी भी सेंटेंस को अगर लिखते हैं तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है सबसे पहला है सब्जेक्ट देन वी प्लेस प्लेसन देन वी प्लेस अ वर्ब एंड देन वी प्लेस प्लेसन ऑब्जेक्ट ठीक है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेकिन जब लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करने की बात होती है वेन ए वी से दैट वी नीड टू फॉलो लॉ ऑफ इन्वर्जन वॉट हैपन्स दिस वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट कोज आफ्टर द वर्ब सब्जेक्ट पहले से बाद में चला जाता है वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट उसके बाद चला जाता है फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है तो बेसिकली ये जो वर्ब होता है ये वर्ब कौन सा होता है इज योर हेल्पिंग वर्ब और यहां पर जो वर्ब लगता है ये आपका मेन वर्ब होता है तो जब लॉफ इन वर्जन फॉलो होती है तो कंडीशन सेंटेंस की ऐसी बन जाती है ठीक है वर्ब प्लस सब्जेक्ट दैट्सल्यूटली करेक्ट ठीक है तो आई सपोज आपको समझ में क्या लॉफ इन वर्जन होता क्या है ठीक है अब ये फॉलो कहां होता है ये दो कंडीशन इसकी हम बहुत इंपॉर्टेंट जो दो कंडीशन है वो बता देते सबसे पहले सेंटेंस इज बिगिनिंग विथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस की बिगिनिंग किससे हुई है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से हुई है एडव ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कोई काम कितनी बार हुआ है नेवर ऑलवेज वंस ट्वाइस हंड्रेड अगर ये सब वर्ड लिखे हुए हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो आप फॉलो करेंगे लॉ ऑफ इन्वर्जन को सेंटेंस इज बिगिनिंग विथ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा नेवर आई विल सी आपने सेंटेंस किसान स्टार्ट किया नेवर से कभी नहीं तो कितनी बार कभी नहीं तो क्या मतलब हुआ एडवो फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हुआ है अब यहां क्या करेंगे सी आपका मेन वर्ब है और विल आपका हेल्पिंग वर्ब तो विल यहां से हटके सब्जेक्ट के पहला चला जाएगा और सेंटेंस बनेगा नेवर विल आई सी हिज फेस अगेन ये तो कंडीशन हो गई जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है अगर हम ऐसा बोलते हैं सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स सेल्डम ही विजिटेड हिज पेरेंट्स अब इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करोगे बताओ इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करोगे सेल्डम ही विजिटेड हिज पेरेंट्स यहां पर तो हेल्पिंग वब नहीं दिया है यहां आपके पास हेल्पिंग व थार यू हैड ए हेल्पिंग वर्ब सो वट डू यू डू आपने विलको उठा के सब्जेक्ट से पहले कर दिया बट हियर वी डोंट हैव अल्पिंग वो वॉट विल वी डू हियर इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे एडव फ्रीक्वेंसी लॉफ इन वर्जन एडव फ्रिक्वेंसी लॉफ इन वर्जन फॉलो नहीं करती है एडव फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में दी हुई है तो लॉफ इन वर्जन फॉलो करती है ठीक है ओके आई विल नेवर सी इज फेस अगेन नहीं नेवर को यही रखोगे नेवर को कहीं नहीं लेके जाओगे नेवर विल आई सी इज फेस अगेन ये करेक्ट होगा सेल्डम डिड ही विजिट आप सोल्यूटली करेक्ट शिवानी तो यहां पर जब मे खाली मेन वर्ब दिया हुआ है सिर्फ मेन वर्ब दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे मेन वर्ब के टेंस को उठाइए इसके टेंस का हेल्पिंग वर्ब बनाइए तो सेल्डम का डिड बन जाएगा जो कि पास टेंस में सेल्डम डिड ही अब यहाँ पर डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो तो विज डिड हटा दोगे सेल्डम डिड ही विजिट हिज पेरेंट्स सेल्डम डिड ही विजिट हिज पेरेंट्स ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक इसके अलावा एक तो कंडीशन हमने आपको ये बता दी और अगर सेंटेंस की बिगिनिंग सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से होती है तो वो सेंटेंस गलत नहीं है वो सेंटेंस सही है आपको करना क्या है बस आपको सेंटेंस में लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करना है जैसे कि हमने लिखा सो so

टेड बाई एवरी वन इतने अच्छे से उसने अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट किया कि उसको सभी के द्वारा प्रशंसा मिली थी अब एक चीज देखो सो so नाइसली उसने क्या किया था रिप्रेजेंट किया था कैसे एडव ऑफ मैनर कैसे नाइसली तो सेंटेंस की बिगनिंग किससे हुई है सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से हुई है अब इसमें लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो होना चाहिए लेकिन सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब लिखा है लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो कैसे करोगे बताओ क्या होगा इस सेंटेंस में ओके okay. वेरी गुड अनु वी कुमार आयुषी सबने आंसर कर दिया एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आपके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं क्या होना होना चाहिए सो नाइसली शी रिप्रेजेंटेड हर प्रोजेक्ट दैट शी वाज अप्रिशिएट बाय ऑल क्या होगा सो so नाइसली के बाद जो रिप्रेजेंटेड लिखा हुआ है अगेन इसका वर्ब लेके चले जाएंगे इसका टेंस लेके चले जाएंगे और क्या करेंगे इससे पहले लगाएंगे तो क्या होगा सो नाइसली डिड शी रिप्रेजेंट हर प्रोजेक्ट दैट शी वॉज अप्रिशिएटेड बाई एवरी वन सो आपका करेक्ट होगा कि सेंटेंस अगर बिगनिंग हो रही है सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से तो सेंटेंस कैसे लिखोगे सो नाइसली डिड शी रिप्रेजेंट हर प्रोजेक्ट दैट शी वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरी वन नाइसली इज करेक्ट ठीक है डिड शी रिप्रेजेंट डिड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी रिप्रेजेंटेड नहीं लिखोगे ठीक है चलो आई सपोज यहां तक आपको क्लियर हो चुका है येस ऑफकोर्स अजय अगर आप सो सेंटेंस में लगाते हैं तो आप आगे, आगे आपको दैट का यूज करना पड़ेगा दैट इज अगेन वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये एक और चीज़ है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जब आप सो का यूज करते हो सेंटेंस में तो यू के नॉट से शी इज सो ब्यूटिफुल आप अगर सेंटेंस में ये सोचते हो आप ये कह दोगे शी इज सो ब्यूटिफुल तो ये सेंटेंस गलत है आप अगर सो लिखते हो तो उसका मतलब होता है शी इज सो ब्यूटिफुल इतनी सुंदर है इतनी सुंदर का मतलब क्या होता है कितनी सुंदर है इतनी लिखोगे सो लिखोगे तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कितनी तो इस क्वेश्चन मार्क को आंसर करने के लिए आपको लिखना पड़ता है शी इज सो ब्यूटिफुल दैट शी विल नॉट एंटरटेन यू वो इतनी सुंदर है कि तुमको घास नहीं डालेगी तो जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है ना सो so, जब भी सो का यूज करेंगे तो आप दैट का यूज करेंगे उसके साथ लेकिन अगर सो कंजंक्शन के जैसे यूज हुआ है तो फिर आप उसके साथ दाट का यूज नहीं करते सो रीजन so, बताने के लिए भी यूज होता है अगर ऐसी कंडीशन यूज होती है तो आप वहां पर दाट का यूज नहीं करोगे ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन uh, की तरफ दिस इज रिलेटेड टू प्रपोजिशन ठीक है अब जो हमारी अगली कंडीशन है दैट इज रिलेटेड टू प्रपोजिशन प्रेपोजिशन क्या होते हैं वो शब्द जो नाउन प्रोनाउन वो सब, शब्द जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बताते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला द मैन इज अंडर द ट्री तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ मैन ऑब्जेक्ट क्या हुआ ट्री अब मैन और ट्री uh, के बीच में क्या रिलेशन है पोजिशन का रिलेशन है कि वो दोनों क्या पोजिशन होल्ड कर रहे हैं मैन जो है वो ट्री के नीचे है सो दिस इज वी से प्रेपोजिशन क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन डिफाइन करने का काम प्रेपोजिशन करता है ठीक है तो चलिए दो रूल्स हैं जो प्रेपोजिशन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज हम बता देते हैं अगर हम सेंटेंस लिखते हैं कैसा अगर हमने सपोज करो सेंटेंस की बिगनिंग में प्रेपोजिशन यूज हो सकता है हो सकता है हम बिसाइड्स का यूज करते हम ऑफ का यूज करते हम विच का यूज करते ये सब प्रेपोजिशन है है ना तो इन सब का सेंटेंस में आप बिगनिंग में यूज कर सकते हो प्रेपोजिशन का उसके बाद अगर सेंटेंस में आप ये कहते हो कि सेंटेंस की बीच इन बिटवीन क्या आप सेंटेंस में प्रपोजिशन का यूज कर सकते हो ऑफ ऑफकोर्स आप बीच में भी सेंटेंस के क्या यूज कर सकते हो प्रेपोजिशन अंडर आर्ट ऑन ये सब आप बीच में ही तो यूज करते हैं राइट right? उसके अलावा क्या आप सेंटेंस की यूज लास्ट में कर सकते हो प्रेपोजिशन का यूज लास्ट में कर सकते हैं सेंटेंस के क्या सेंटेंस का सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज लास्ट में हो सकता है यह क्वेश्चन है जल्दी से बताओ क्विकली जल्दी से बताओ मिडिल yes, beginning. Beginning में यूज हो, हो सकता है क्या लास्ट में यूज हो सकता है okay. जल्दी से बताओ क्या लास्ट में यूज हो सकता है अफकोर्स हो सकता है कैसे हो सकता है लेटमी टेल यू दिस थिंग कैसे हो सकता है हमें ये चीज बताने चाहिए जबी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट का यूज करते हो सब्जेक्ट के बाद आपके पास वह

पेन टू राइट अब यहां पर आए आया आई ने क्या काम किया गिव करने का सब्जेक्ट का वर्ब क्या है गिव गिव करने का ठीक है फिर ऑब्जेक्ट कौन है हिम और पेन अब आपका जो टू राइट राइट कौन करेगा पेन किससे करोगे पेन से तो राइट जो वर्ब आया है ये पेन के लिए आया राइट जो वर्ब आया है ये ऑब्जेक्ट के लिए आया है और यहां पर आपको लगाना पड़ेगा अब, पे, अब पेन टू राइट विथ राइट right? सिमिलरली अगर हम लिखे आई गेव हिम अ पेपर टू राइट अब पेपर से तो लिखोगे नहीं अगेन यहां पर जो टू राइट आया है किसके लिए आया है अ पेपर के लिए आया है? है तो क्या होगा अ पेपर टू राइट ऑन का यूज करेंगे सिमिलरली अगर सेंटेंस में हमें लिखना है सपोज करो क्या अगर हमें सेंटेंस में लिखना है दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव तो क्या ये सेंटेंस सही है दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव यहां पर क्या लिखा हुआ है प्लेस है टू लिव तो यहां क्या लगेगा दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव डैश ओके जल्दी से बताओ ये क्या कंडीशन है और उसी के साथ मैं दूसरी कंडीशन बताऊंगी जहां पर प्रेपोजिशन लास्ट में और कैसे यूज होता है वे आर यू लुकिंग ठीक है ऑन लास्ट में क्या यूज होगा बताओ दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव डैश क्या होगा लिव ऑन जगह पे रहोगे लिव इन लिव इन ओके दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट जब हम लिव लगाते हैं तो जगह में रहेंगे और यहां पर लगेगा क्या इन और सेंटेंस के लास्ट में भी प्रपोजिशन का यूज हो सकता है सेंटेंस कैसा होगा आई गेव अ पेन टू राइट विद आई गेव अ पेपर टू राइट ऑन दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन एक कंडीशन हो गई दूसरा प्रपोजिशन कहां यूज हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ठीक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आप प्रेपोजिशन को लास्ट में यूज कर सकते हैं प्रेपोजिशन को लास्ट में यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा वट आर यू सर्चिंग अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा आप क्या लिखेंगे वॉट आर यू सर्चिंग फॉर का यूज करेंगे ठीक है आप क्या देख रहे हो वॉट आर यू लुकिंग नहीं होता What आर यू लुकिंग एट का यूज करेंगे ठीक है who are यू टॉकिंग नहीं होगा who, who are you talking to टू are यू टॉकिंग विथ हु आर यू टॉकिंग अबाउट ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं राइट टू या अबाउट का यूज करेंगे जब हमें लिखना है क्या आर यू टॉकिंग टू या हु आर यू टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात कर रहे हो या किससे बात कर रहे हो तो दो कंडीशन हो गई अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया वर्ब दिया ऑब्जेक्ट का भी वर्ब दिया तो प्रपोजिशन लगाओगे अदरवाइज अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है आई एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है तो इसके लास्ट में आपको एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा अगर इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में लास्ट में आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो इसके बाद आपको प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा ठीक है इतनी चीज आई सपोज क्लियर है ठीक है चलो अब बढ़ते हैं हम प्रेपोजिशन से ही रिलेटेड एक और कंडीशन पे लेट्स सी डू वी हैव देयर चलो प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक और कंडीशन है क्या कि अगर आपके पास कभी भी वर्ब दिया हुआ है या फिर वर्ब क्या बोले अगर सपोज करो आपके पास प्रेपोजिशन ही दिया हुआ है ठीक है एंड दिस इज एक्सेप्ट टू टू के अलावा की बात कर रहे हैं हम टू इसमें इन्वॉल्व नहीं है टू इसमें एसोसिएटेड नहीं है ठीक है क्या कह रहे हैं अगर प्रेपोजिशन दिया है और अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब है तो ये वर्ब कौन से फॉर्म में होगा ये वर्ब हमेशा आई एन जी फॉर्म में ही लिखोगे ठीक है इसकी कई सारी कंडीशन हमने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है क्या कह रहे हैं प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब दिया हुआ है तो ये आई फॉर्म में ही यूज होगा ठीक है नेक्स्ट देखो लास्ट कंडीशन है एक आपकी किस चीज की कंजंक्शन की और ये कंजंक्शन की कंडीशन आपसे क्या कहती है कि आप सेम पार्ट ऑफ स्पीच विल बी यूज्ड थ को रेलेटिव कंजंक्शन को रेलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर ईधर और नीदर नॉर ये सब जो है ऑल्डो येट इन डीड बट इन सब के साथ आप जो कंजंक्शन यूज करोगे या फिर जो भी पार्ट ऑफ स्पीच यूज करोगे वो सेम होनी चाहिए अगर नीदर नॉर के बाद नाउन है नीदर के बाद नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन होगा ईधर के बाद वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब होगा फॉर एग्जाम्पल देखो सेंटेंस हमने लिखा क्या

इसमें क्या गलत हो जाएगा अब आपने लगाया नॉट ओनली बटोल्सो जो कि है co -relative conjunction. हमने कहा लगनी चाहिए दोनों के बाद नॉट ओनली के बाद आपने आपने लगाया लगाया क्या क्या होते हैं और but also के बाद होता है वर्ब तो यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई गलत हमें क्या लगाना है दोनों के बाद वर्ब आना चाहिए तो क्या करेंगे डैम्स को यहां से हटा के नॉट ओनली से अगर पहले लगा देंगे तो क्या बनेगा डैम्स नॉट ओनली सेव अब पर क्या हो गया ये भी वर्ब हो गया आपने यहां से डैम्स को हटा दिया तो सेंटेंस क्या बना डैम्स नॉट ओनली सेव वाटर बट ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो क्या मतलब हुआ डैम्स के बाद आपने नॉट ओनली नॉट ओनली के बाद वर्ब करेक्ट बट ऑल्सो के बाद वर्ब करेक्ट तो इस तरह का सेंटेंस आप जब भी देखेंगे कि जहां पर दो दो Conjunctions हुए conjunctions हुए हुए हैं, हैं, में use होने वाले use हुए तो दोनों की part of speech सेम होनी चाहिए। अगर तो वर्ब है तो वहां पर भी नाउन का ही यूज होगा ठीक है ओके सो दिस इज दिस वीडियो आई होप यू गॉट योर थिंग्स सॉर्टेड अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो अभी तक आई सपोज जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई वो सारी आपको क्लियर हैं ट्वेंटी नो रूल्स से इन चीज इन रूल्स को अच्छे से दिमाग में बैठा लो अच्छे से दिमाग में समझ लो जो चीज़ नहीं समझ में आती है यू कैन ऑलवेज आस्ट दैट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी कीप वॉचिंग अटर टू फोर सेवन द नेक्स्ट शो इज इज ऑनलाइन